हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? बढ़िया चल रही है। थोड़ा सा वॉल्यूम एम्पलीफायर का थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है जी। तो भाई, कल हमने नंबर सिस्टम जो है पढ़ा था, आई होप घर पे अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। नंबर्स ब्रॉडली टेबल पर आए तो ब्रॉडली नंबर्स कौन से होते हैं? या तो रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर में एक ही एग्जांपल है, कौन सा? अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ जाए, और अंडर रूट माइनस वन को किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से। इट्स अ इमेजिनरी नंबर। और फिर आए रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। रियल नंबर कौन से? जो रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो रियल लाइफ में लॉजिकल भी और इलॉजिकल सारे अपन यूज जो है करते हैं। तो हमने कहा रियल लाइफ में दो प्रकार के नंबर यूज करते हैं, लॉजिकल नंबर्स और इलॉजिकल नंबर। इलॉजिकल नंबर जिसका लॉजिक हमें नहीं पता। इलॉजिकल का पर्यायवाची क्या होता है? इरैशनल। इरैशनल मींस इलॉजिकल। तो हमने कहा जिसका लॉजिक नहीं पता उसको हम क्या बोलते हैं? इलॉजिकल नंबर, इरैशनल नंबर। तीन एग्जांपल दिए थे, कौन कौन सा? एक पाई, दूसरा क्या था? ई, और बाकी क्या था? अंडर रूट की वैल्यूज। अंडर रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब अंडर रूट 4, 9, 16, 25 ना हो, तो हमने कहा बाकी सब अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 5, 6, 7, 8, 9 छोड़ दो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 छोड़ दो, 17, 18, 19, मतलब परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के कोई भी अंडर रूट है वो सारे के सारे क्या है? इलॉजिकल नंबर्स है। इलॉजिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और रिपीट भी नहीं हो रहे, कोई पैटर्न नहीं आ रहा, ना तो पाई का, ना ई का, ना अंडर रूट की वैल्यूज का। ये सारे क्या है? इलॉजिकल नंबर। पर हम रियल लाइफ में यूज करते हैं इसलिए इसको हम रियल नंबर्स भी कह देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने कहा लॉजिकल नंबर। लॉजिकल नंबर कौन से होते हैं? जो मेरे को लॉजिक समझ आता है, लॉजिक की चीज का, या तो इंटीजर्स हो पूरे पूरे नंबर, या फिर फ्रैक्शंस हो जाए। फ्रैक्शन मतलब हिस्से की बारी जो है आ जाए। तो हमने कहा इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण अंक, पूरे पूरे नंबर। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ये सारे क्या है? पूरे पूरे नंबर्स हैं। और अगर डेसिमल्स हैं, डेसिमल या फ्रैक्शंस हैं, वो क्या है? हिस्से की बात जो है कर रहे हैं। और जब फ्रैक्शंस की बात करी, फ्रैक्शंस में कौन कौन से फ्रैक्शन हो सकते हैं? या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एक बात तो पक्की है, क्या? रिपीटिशन होगी, एक पैटर्न होना चाहिए, तभी तो लॉजिक हमें समझ जो है आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता कि जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो है हो जाए। या तो टर्मिनेटिंग होगा, 1/2, 1/4, 2/10, 2/5, ये सारे के सारे क्या है? टर्मिनेटिंग की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब वैल्यू फुल स्टॉप आ जाएगी। और हमने कहा अगर फुल स्टॉप नहीं आता तो एक लंबी चल रहा है, पर इसमें एक रिपीटिशन होगा, कुछ वैल्यू के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। दिमाग क्लियर है? तो हमने कहा फ्रैक्शंस हो गए, फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स के फिर टुकड़े करें। इंटीजर को हम ब्रॉडली क्लासिफाई क्या कर सकते हैं? या तो नेगेटिव नंबर्स होंगे या होल नंबर्स होंगे। नेगेटिव नंबर माइनस वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और होल नंबर जीरो से अपन ने शुरू जो है करा। और होल नंबर्स के भी दो टुकड़े कर दिए हमने, का जीरो और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। आई होप क्या ये अच्छे समझ आ गया। बस अब कोशिश क्या करनी, अब सी ए फाउंडेशन में अब जो पढ़ेंगे ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और अब ये लाइफ लॉन्ग आपको याद जो है होना चाहिए। एंड आई होप अब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अब सबको अच्छे से याद हो गया होगा। और एक बार जरा फिर से स्टार्टिंग से वैसे भी शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर्स कौन से आए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शब्द क्यों आया? स्वाभाविक। काउंटिंग जब करनी थी, और काउंटिंग कब करेंगे? जब कुछ चीज होगी, जब कुछ था ही नहीं तो हम काउंट नहीं करेंगे, पर कुछ था, मुझे काउंट करना पड़ा तो नंबर्स आए। इसलिए स्वाभाविक नेचुरली काउंटिंग कहां से शुरू हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद फिर कभी किसी को लगा कि यार जब कुछ था, जब खत्म होना शुरू हुआ, तो अगर खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया, तो एक सिंबल चाहिए, तब जीरो का आविष्कार जो है हुआ। तो जब जीरो का आविष्कार हुआ तो नेचुरल नंबर और जीरो मिला हमने क्या बोला? होल नंबर्स, होल नंबर। उसके बाद क्या हुआ? फिर व्यापार आना शुरू हुआ, लेन देन की बात शुरू हुई, तो नेगेटिव नंबर्स भी आए और फ्रैक्शंस भी आए। जो व्यापार हुआ तो हिस्सेदारी भी आई और उधार भी चलना जो है शुरू हुआ। तो नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को हमने क्या बोला? इंटीजर्स। और इंटीजर्स और फ्रैक्शन को क्या बोला हमने?
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों? लॉजिकली ये सारा हमने डिराइव करा, ये लॉजिकली हम सोचते गए, ये सिंबल्स बनाते गए, पर कुछ नंबर्स हमने और मिले इस यूनिवर्स में, जब और हमने रिसर्च करी कुछ ऐसे पैटर्न्स मिल गए जिनका हमें लॉजिक जो है नहीं मिला। इन पैटर्न्स को हमने क्या बोला? इलॉजिकल नंबर या फिर इरैशनल नंबर। क्या ये बात समझ आती है? और हमने कहा रियल लाइफ में अपने पूरे धरती पे हम जो भी काम कर रहे हैं, या तो हम अपने लॉजिकल नंबर यूज कर रहे हैं और हम इलॉजिकल भी यूज करें। पाई इज अ इलॉजिकल नंबर, पर इंडस्ट्री में यूज होता है। किसी को भी सर्कल, सिलेंडर, कोन अगर यूज करना है तो उसमें सारा काम जो है हमारा होता है। ठीक है, हमारा जो नया सेंटर हम ले रहे हैं अब वो एक्चुअल में ओवल में है। ठीक है, अभी बता देंगे सारा काम, हमने अब कल से शुरू हो जाएगा। तो नया सेंटर लिया है, उसमें यही समझ नहीं आ रहा ओवल में है और आज पूरा दिन यही बैठे रहे इस ओवल में। मतलब हम कैसे, मतलब जो नया सेंटर है उसका डायग्राम कुछ ऐसा सा, हाँ लग रहा ये समझ थोड़ा सा ले तो हमने लिया। अब ये कुछ क्लासरूम ऐसा सा है, हाँ ये क्लासरूम कुछ ऐसा सा है और हाँ, और इसमें क्या है, यहां पर पिलर है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे चार पिलर हैं, छोटे छोटे पिलर हैं। अब वही आज सुबह से दो घंटे बैठे रहे कि हम यहां पर स्टेज लगाएं, कि यहां पर स्टेज लगाएं, कहां पर स्टेज लगाएं। तो हमने कहा अगर ये सीधा सीधा होता तो बात बड़ा क्लियर हो जाती। अब ये क्योंकि सर्कल ओवल में आ गया है तो सारा जो है भी देख रहे हैं, तो कल से शायद काम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं 15-20 दिन में आपको वहां पे शिफ्ट जो है कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा है। बस बेस्ट पार्ट एक यही है कि इसका जो एरिया है इसका ट्रिपल है, ट्रिपल से ज्यादा ही है। ठीक है, तो आप खुला खुला बैठ जाना, सो जाना, लेट जाना, हाँ तो आपको ट्रिपल जो है वो एरिया जो है वो मिल रहा है। क्या हुआ? हाँ चेयर्स, ये हम बेच के नहीं जाएंगे, हम यही चेयर लेके जाएंगे। वहां पर गद्दों की हमने व्यवस्था नहीं करी, हाँ यही कुर्सियां सारी जो है हम वहां पर जो है ले जाएंगे। तो कहां पर बता दूंगा, बनने दो, पूरा बन जाएगा फिर आपको। अच्छी जगह है, पास में ही है, वॉकिंग ही है तो हो जाएगा। चलो एनीवेज वापस जो है आते हैं। तो हमने कहा ये सारे आपके रियल नंबर्स आए, तो हमने कहा अब वही रियल नंबर्स में आए और रियल नंबर्स के बाद फिर कुछ इमेजिनरी नंबर्स जो है आ जाते। ठीक है, पहले तो यहां तक किसी को कोई भी छोटा मोटा चिन्ह मिन्ना डाउट हो, क्या नंबर सिस्टम अच्छे से हो गया? अब लाइफ लॉन्ग कोई भी आपसे पूछेगा तो क्या ये कर लोगे? मैथ्स वाले बच्चे, नॉन मैथ्स वाले बच्चे, अब सबको क्लियर है नंबर सिस्टम? आगे बढ़े, चलो जी अगले टॉपिक पर जो है जाते हैं। चलो जी अगला टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? रेशो। लो जी अगला टॉपिक हमारा है रेशो। तो भाई अगले टॉपिक पर आते हैं, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, टॉपिक का नाम है रेशो। क्या आपने बचपन में कभी ये नाम सुना है? सुना तो होगा, अकाउंट्स में कई सारे रेशो सुने हुए, कौन कौन से? प्रॉफिट रेशो, कैपिटल रेशो, और कौन सा होते हैं? जीपी रेशो, एनपी रेशो, करंट रेशो, ऐसे कई सारे रेशो जो है आपने सुने हैं। तो लो जी लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा कम करें, रेशो इज कम कर दो, मेरे को सब कुछ नसीब है, पंकी गवा नसीब नहीं है। ठीक है ना, हाँ चलो, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज बाय डिवीजन। लो जी आज का एक टॉपिक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके तीन सेक्शंस हैं, उसके तीन सेक्शन है। पहला सेक्शन है बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा सेक्शन क्या है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो भाई
मैथमेटिक्स नहीं है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, सेक्शन बिजनेस मैथमेटिक्स। हमारे इसमें हम वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो मेरे को अपने बिजनेस में जरूरी है। यहाँ पे आलतू फालतू मैथ्स अपने को नहीं पढ़नी। इसलिए सीए की मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई वो चीजें नहीं है जो मेरे बिजनेस में काम ना है। मेरे बिजनेस में क्या रेशियो काम आएगा कि नहीं आएगा, रेशियो काम आएगा। इसलिए हम वो सारे टॉपिक मेरे को पढ़ने हैं जो आपके बिजनेस में काम जो है आने हैं, ठीक है। तो बिजनेस में क्योंकि रेशियो काम आना है, इसलिए हम आपको रेशियो जो है पढ़ा रहे हैं। हर एक वो चीज आपको पढ़ाई जाएगी जो सिर्फ बिजनेस में काम आनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी जो आपको जो है नहीं पढ़ा रहे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे बिजनेस में काम नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री मेरे बिजनेस में काम नहीं आती, हम ऐसा कुछ भी अपने मैथ्स में जो है नहीं पढ़ेंगे। पर मेरे मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट काम आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट काम आता है, हमारी बहुत सारी चीजें जो है काम आएंगी, वो सब चीजें जो मेरे बिजनेस में काम आएंगी वो सब कुछ अपने को जो है पढ़ना है, ठीक है जी। तो भाई अब रेशियो क्या है, बहुत ही ध्यान से इस बात को जो है समझे। हमने कहा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट, रेशियो है क्या, इट इज अ कंपैरिजन। जब भी रेशियो कभी भी आपके सामने आए, सबसे पहला वर्ड ये मेरे को माइंड में आना चाहिए, रेशियो डिवीजन नहीं होता, रेशियो क्या है, कंपैरिजन है। बस एक ये वर्ड अगर आपको समझ आ गया तो मेरे को लाइफ लॉन्ग कितने भी रेशियो कोई भी सवाल आ जाए आप इजीली जो है कर लोगे, ठीक है। तो जब भी कोई रेशियो आए, अगर कह रहे हैं कैपिटल रेशियो, इसका मतलब क्या है, हम कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं। अगर है प्रॉफिट रेशियो, इसका मतलब क्या है, हम प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं। तो कोई भी अगर रेशियो है तो रेशियो सिर्फ कंपैरिजन बात करता है, कुछ ना कुछ हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपका मे बी करंट रेशियो है तो करंट रेशियो में हम क्या करते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कंपेयर करते हैं। अगर कोई डेट इक्विटी रेशियो है तो हम क्या करते हैं, डेट और इक्विटी को कंपेयर जो है कर रहे हैं। तो हमने कहा सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि हमें कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करेंगे तो रेशियो है, अगर कंपैरिजन नहीं तो रेशियो का कोई मतलब जो है नहीं बनता। तो रेशियो क्या है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ, और हम क्वांटिफाई कर रहे हैं कैपिटल के साइजेस को कंपेयर कर रहे हैं। एक्स ने लगाए 5 लाख रुपए, वाई ने लगाए मे बी 2 लाख रुपए, तो हमने जब इसको कंपेयर करा तो हमने कहा रेशियो क्या है, 5:2 का रेशियो जो है आता है। तो हम साइजेस को कंपेयर जो है कर रहे हैं, साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटी। और जब कंपेयर करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही को कंपेयर करते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। एक्स ने लगाए 5 लाख, वाई ने लगाए 2 लाख, जेड ने लगाए मान लो 10 लाख, तो हमने कहा रेशियो क्या आ गया, 5:2:10 का आ गया। कल को और भी हो सकते हैं, ए बी सी डी, तो जितने भी लोग होंगे हम सबको एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। कंपेयर आप दो को करना चाहें या दो से ज्यादा को करना चाहें, कंपेयर जो है कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, कंपेयर आप किसको कर सकते हो, सिर्फ क्वांटिटी। जब भी कंपेयर कर रहे हैं ये एक लिमिटेशन है, ये इसकी लिमिटेशन है। हम जब भी कंपेयर कर रहे हैं ये समझना है, कंपेयर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। किसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्वालिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब भी बिजनेस करें तो कुछ चीजें माइंड में रखना, जब भी रेशियो है तो रेशियो सिर्फ क्वांटिटी को कंपेयर करेगा, क्वालिटी कंपेयर जो है नहीं कर सकता। जैसे छोटी सी बात है, अगर आप सबके मार्क्स की बात करें, क्लास में जितने बच्चे हैं सबके क्लास 12th के मार्क्स का क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो तो निकल जाएगा। किसी के 90 है, किसी के 80 है, किसी के 99 है, किसी के 79, किसी के 65, अगर मुझे रेशियो निकालना है रेशियो तो निकल जाएगा। ये आपके मार्क्स का रेशियो है, पर क्या ये आपके आईक्यू का रेशियो भी हो गया, कि जिसके मार्क्स ज्यादा उसकी आईक्यू ज्यादा, या जिसके मार्क्स कम उसके आईक्यू कम, हमने कहा नहीं। मार्क्स चीज अलग है, आईक्यू अलग है। क्या ये रेशियो मैं आपके हार्डवर्क का भी कह सकता हूं, कि इसका मतलब इनके मार्क्स ज्यादा है, इन्होंने मेहनत ज्यादा करी होगी, ऐसा भी नहीं है। तो हमने कहा हार्डवर्क, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये सब क्या चीजें हैं, क्वालिटी है। इनको हम कभी भी हम रेशियो नहीं निकाल सकते, इसको मैं कभी कंपेयर जो है नहीं कर सकता। कंपेयर मैं कैसे कर सकता हूँ, सिर्फ मैं मार्क्स को कंपेयर जो है कर सकता हूँ। जैसे हमारी कंपनी है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, हम कंपनी के प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं,
हमने कितना प्रॉफिट कमाया, बाकियों ने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट का रेशियो हो सकता है, पर कौन सी कंपनी सिंसेरिटी के साथ काम करे, कौन सी कंपनी ट्रस्ट वर्दी है, क्या ये कह सकते हो जिसने प्रॉफिट ज्यादा कमाया वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो हमने कहा ये क्यों चीजें याद होनी है, कल को जब भी आप, क्योंकि आप जब CA बन जाएंगे तो क्लाइंट आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आता है कि सर कौन सी कंपनी के शेयर्स परचेज करें, होता है कौन सी कंपनी के शेयर जो है परचेज करें, तो कौन सी कंपनी के शेयर्स परचेज करें, कुछ लोग वो क्या करते हैं जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा उसके शेयर्स परचेज जो है कर लो, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि प्रॉफिट तो कभी एबनॉर्मल भी हो जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब डिसीजन लेता है, हम किस पर डिसीजन लेते हैं, हम चेक करते हैं वो जो कंपनी है उसको रन जो मैनेजमेंट कर रही है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये कितने ऑनेस्ट पर्सन है, कितने हार्डवर्किंग है, वो चेक करके हम स्टॉक मार्केट में पैसा जो है लगाते हैं। तो होता वो ये, हमने कहा अगर आप प्रॉफिट के बेसिस पर लगाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं, ये तो बड़ा शॉर्ट टर्म चीज होती है, प्रॉफिट तो इस साल आ गया अगले साल जो है नहीं आया। ऐसी कितनी कंपनी थी जिन्होंने एक दो साल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया और उसके बाद बैंकरप्सी में चले गए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया बैंकरप्सी में भी चले गए। किंगफिशर एयरलाइंस कह सकते हैं, किंगफिशर एयरलाइंस की बात करें, एयरलाइंस इंडस्ट्री में इंडिया में किंगफिशर एयरलाइंस नंबर 1 पे थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू नंबर 1 पे थी, और किंगफिशर एयरलाइंस 4 या 5 साल के अंदर बंद भी हो गई, मतलब 4-5 साल के अंदर बंद हो गई। प्रॉफिट तो कमाया पर मैनेजमेंट उतनी अच्छी जो है नहीं थी। तो हमने कहा जब भी आप रेशियो निकालें तो रेशियो निकालते से बस माइंड में रखना प्रॉफिट का रेशियो है बस इतना, उससे ज्यादा हमें डिसीजन नहीं लेना कि अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी बहुत अच्छी होगी, गुडविल बहुत अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने कहा जब भी रेशियो कर रहे हैं तो कुछ चीजें अच्छी बातें भी समझते हैं और साथ में लिमिटेशन भी है, हम सिर्फ क्वांटिटी को कंपेयर जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा रेशियो निकालने का जो सिस्टम है किसकी मदद से निकालते हैं, डिविजन की मदद से। जो हमने यहाँ पे रेशियो निकाला, हमने इन सबको कैंसिल किया तो हमने 5:2 या ये कैंसिल किया 5:2:10 जो है आ गया है, ठीक है जी। आई कुछ को बात क्लियर है, रेशो आपको सॉल्व करना आता है, पर फिर से आईसे ने क्या कहा कि भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे ने क्लास 12th में साइंस थी या कॉमर्स थी या आर्ट्स था, बच्चे का मैथ्स थी या नहीं थी, अकाउंट्स या नहीं थी, लॉ थी या नहीं थी, इकोनॉमिक्स था या नहीं था। आईसे अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से फिर से पढ़ाते हैं कि भी कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो CA करना चाहता है, हम उसको स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाएंगे, जिसने नहीं पढ़ा स्टार्टिंग से पढ़ लो, जिसने पढ़ा है अपना फिर से रिवाइज जो है कर लो, ठीक है जी। तो भाई रेशियो क्या है, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। लो जी, तो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, हाँ जी। तो भाई चेक करें, हाँ जी, तो भाई चेक करें, फॉर एग्जांपल हमने कहा प्रॉफिट रेशियो, तो भाई प्रॉफिट रेशियो, हाँ जी, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल x:y:z, मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया वही लिख लेते हैं 5:2:10। लो जी 5:2:10 प्रॉफिट रेशियो, ऐसी मैंने कहा मे बी करंट रेशियो, करंट रेशियो ये क्या है, करंट एसेट इज टू करंट लाइबिलिटी, कुछ वैल्यू लिख लो मे बी 4:3। तो भाई कोई भी रेशियो, दो एग्जांपल दे दिए, प्रॉफिट रेशियो x:y:z 5:2:10, करंट रेशियो क्या है, हमने कहा 4:3, ठीक है। बस एक इंपॉर्टेंट, जब भी रेशियो आए इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, कोई भी रेशियो हो, कैसा भी रेशियो हो, इंटरप्रेट कैसे करना है। अगर कह रहे हैं प्रॉफिट रेशियो, इसका मतलब क्या कंपेयर कर रहे होंगे, प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे होंगे। 3 यहाँ पे मान लो XYZ है, इनका ये वैल्यू गिवन है, तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा है, हमने कहा प्रॉफिट रेशियो 5:2:10 अगर है तो कैसे बोलते हैं, मैं तो ऐसे कहूंगा अगर एक्स को ₹5 का प्रॉफिट मिला, अगर एक्स को ₹5 का प्रॉफिट मिला तो बताओ वाई को कितना मिलेगा, ₹2, और जेड को कितना मिलेगा, ₹10।
बस इतनी स्टेटमेंट हमेशा रखना, ये बिल्कुल मत कहना 5/10 या 5/11 या 5/17, 2/17, कुछ नहीं। सिंपल सा सिस्टम रखना कि हमने कहा प्रॉफिट रेशियो क्या है, अगर एक्स को 5 रुपए का प्रॉफिट मिला तो वाई को कितना मिलेगा, 2 रुपए को, जेड को कितना मिलेगा, 10 रुपए का। अगर ये प्रॉफिट की जगह में भी कैपिटल रेशियो होता तो मैं क्या कहता, अगर x 5 रुपए की कैपिटल लगाएंगे तो y कितने लगाएंगे, 2 रुपए, z कितने लगाएंगे, 10 रुपए। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी तरीके से अगर आप रेशो बोलते थे ना, वो सारा एब्सर्ड था। जैसे कई बच्चे बोलते थे, सर क्योंकि ये है तो इसका मतलब x का प्रॉफिट कितना होगा, 5/17, y का कितना होगा, 2/17, z का कितना होगा, 10/17। ठीक है, पर इतना बोलने की जरूरत जो है नहीं है। हम तो क्या बोलेंगे, अगर x को 5 रुपए का प्रॉफिट मिला तो y को 2 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, तो z को 10 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी बात है, इतना स्टेटमेंट रखने, इसके आगे नहीं जाना, क्योंकि आपने स्कूल में तो बहुत आगे का पढ़ लिया था और उसमें क्या था, कंसेप्ट आप मिस जो है कर रहे थे। क्योंकि कई बच्चों के माइंड में क्या होता है कि सर 5+2+10 ये कितना हो गया, 17, ये हो गया 5/17, ये हो गया 2/17, ये हो गया 10/17, रेशो ये नहीं कहता। पर बच्चों के माइंड में सर इसमें गलत क्या है, गलत इस रेशो में आ जाएगा। अब करंट रेशो है, इसका मतलब क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। कैसे बोलेंगे, हम तो वही कहेंगे अगर करंट एसेट 4 रुपए के हैं तो बताओ करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 3 रुपए की। अगर करंट एसेट 4 रुपए के हैं, करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 रुपए की जो है हो जाएगी। पर क्या आप ये कह सकते हो करंट एसेट 4/7 होंगे, करंट लायबिलिटी 3/7? नहीं बेटा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कभी एड नहीं होती। इसलिए स्कूल में पढ़ा था ना, वो आपने सिर्फ प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल रेशियो में आपने ऐसा भी सीख लिया, ये तो शॉर्टकट था। और मुझे पता है शॉर्टकट आपको बड़े तंग जो है करते, इसलिए कभी भी ऐसी बात हम कभी नहीं करेंगे। अपने तो सिंपल सी बात करेंगे, जो भी रेशियो गिवन है, कैसा भी रेशियो हो, सिंपल सा बोलना है। क्या बोलना है, अगर करंट एसेट 4 रुपए के हैं तो करंट लायबिलिटी 3 रुपए, कैसा भी रेशियो आ जाए हमें ऐसा ही बोलना है। ठीक है, स्पीड एक रेशियो होता है। स्पीड की अगर बात करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मान लो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो रेशियो क्या हुआ, 60 किलोमीटर इज़ टू 1 आवर, ये रेशियो हुआ। तो कैसे बोलेंगे, अगर 60 किलोमीटर कार ने ट्रेवल किया तो 1 घंटा लग जाएगा, अगर कार ने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 1 आवर जो है लगना चाहिए, या अगर 1 आवर गाड़ी ट्रेवल करती है तो गाड़ी ने 60 किलोमीटर ट्रेवल जो है कर लिया होगा। क्या ये बात समझ आती है, मैं कहीं पर ये तो नहीं कर रहा ना 60/61 या 1/61, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए वो सब चीज़ें आप जो है छोड़ देना, क्योंकि स्कूल में आपने शॉर्टकट सीखे थे और ये शॉर्टकट कहता हूँ आपकी लाइफ बर्बाद करती है। इसलिए स्कूल की एजुकेशन हमेशा शॉर्टकट में चलती थी और शॉर्टकट में कहीं ना कहीं आपको बोरियत हो गई थी। शॉर्टकट एक बार तो अच्छा लगता है, सर फटाफट आंसर्स आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ब्रेन कहता है यार रट्टा मारे जा रहा हूँ, रट्टा मारे जा रहा हूँ, और वहां जाके आपका पढ़ाई से जो है ना दुश्मनी जो है हो गई थी। इसलिए पढ़ाई को बड़ा सिंपल रखेंगे, बहुत लॉजिकल पढ़ेंगे, और जहां पर भी आपने गड़बड़ करी थी बस मुझे उसको जो है हटाना है। इसलिए मेरे को बताना, क्लास में चाहे मैथ्स वाला बच्चा या नॉन मैथ्स वाला बच्चा बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, अब आपको बात समझ आनी चाहिए। अगर ये रेशियो है, कभी भी हम ऐसा कुछ नहीं करते, अपना तो काम इतना सा है कि अगर ये रेशियो है डिस्टेंस इज टू टाइम, तो हमने वही कहा अगर 60 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो टाइम कितना लगेगा, 1 आवर, तो अगर 120 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे टाइम कितना लगेगा, 2 आवर्स, अगर 180 करेंगे टाइम कितना लगेगा, 3 आवर्स जो है लग जाएगा। क्या ये बात समझ आती है, इजी सा है, सिंपल सा है, इतना ही रेशियो है। ठीक है, तो मैंने कहा ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं, जितना इजी रखेंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया जो है आएगा। और मेरा एक्सपीरियंस तो यही है इतने सालों का कि नॉन मैथ्स वाले बच्चों के मैथ्स में 90 क्रॉस बहुत इजीली जो है हो जाते, क्यों, बस बात वही है जैसे पढ़ाऊं वैसे पढ़ते जाना। और हाँ, जो मैंने कल कहा था, करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच क्या होती है, एक तो कंसेप्ट से पढ़ना, और दूसरा करेक्ट अप्रोच है कि साथ साथ एक अफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे समय ना मैंने पढ़ाया, अगर अच्छा लगा तो चेहरे पे स्माइल आ जाए, आप ऐसे खुनखार बैठे हो तो ऐसे में घबरा जाता हूँ यहाँ पर कि पढ़ा तो दिया चल आगे बढ़ा,
थोड़ा स्माइल भी कर लोगे तो अच्छा लगेगा, एक अफर्मेशन कि चलो रेशियो समझ आ रहा है। मेरा जो ब्रेन है ना उसको जितना रिलैक्स रखोगे ना उतना बहुत इंटरेस्टिंग जो है हो जाते। नंबर सिस्टम समझ आया, चेहरे में मुस्कान आ जाए कि चलो नंबर सिस्टम फाइनली अब समझ आ गया, रैशनल इरैशनल क्या होता है, चलो रेशियो भी अच्छे अच्छे समझ जो है आ रहा है। ब्रेन आपका बहुत प्यारा दोस्त है, इस ब्रेन के साथ दोस्ती कर लो, ये ब्रेन आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। और ब्रेन के साथ दुश्मनी कर लोगे, जो इस समय चल रही है दुश्मनी भी चल रही है, ब्रेन के अंदर थॉट्स इतने नेगेटिव चलते हैं, तब डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, एंगर, ये सारे क्या हैं, ये ब्रेन के फीचर्स नहीं है, पर आपने ब्रेन को ये सब चीजें दे दी है, तो ब्रेन आपका साथ नहीं देता, ब्रेन आपका साथ जो है नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ब्रेन के साथ आप दोस्ती करना भूल चुके हो। बैक टू अपने ब्रेन के साथ दोस्ती करनी है विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, साथ साथ पढ़ते जाओ और साथ साथ हाँ कोई भी डाउट हो डाउट पूछते जाए, पर माइंड में हमेशा होगा चल सब कुछ अच्छे समझ जो है आ रहा है। इस स्पीड से चलेंगे तो 60 क्लासेस में पूरा सिलेबस और 90 प्लस बहुत अच्छे से नंबर जो है आ जाते। इससे ज़्यादा स्पीड करा दूंगा तो सिलेबस बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाएगा, तो जल्दी नहीं, आपको भी घर पे कोई काम नहीं है, मुझे भी घर पे कोई काम नहीं, आराम से तसल्ली से जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। और आगे बढ़ जाए, चलो जी दुबई, फिर आगे लिखते हैं अगला एग्जाम्पल। लो जी, रेशियो ऐसा पढ़ लें सारे कोर्सेज में, इसके बाद आपको जब बीकॉम भी करना हो या कुछ और भी करना हो, रेशियो ऐसा पढ़ लेंगे लाइफ लॉन्ग, अब आपको रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो जी, तो भी कह रहे हैं गिवन, चलो जी, गिवन दैट करंट रेशियो, लो जी, given that current ratio of a company is 3:2, given that current ratio of a company is 3:2, current ratio क्या होता है, हमने कहा जी current asset is to current liability, ये क्या है 3:2। कैसे पढ़ेंगे, अगर करंट एसेट 3 रुपए के हैं तो करंट लायबिलिटी 2 रुपए की होगी, बस इससे ज्यादा बोलना ही नहीं, बस रेशियो इतना ही है, अगर करंट एसेट 3 रुपए के हैं तो करंट लायबिलिटी 2 रुपए की होगी, रेशियो का चैप्टर इतना ही है, यह मैटर क्लोज जो है हो जाता है, ठीक है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के, करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, अभी मान लो कुछ करंट एसेट होते हैं कुछ करंट लायबिलिटी जो है होते हैं, उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे, यहां तो हम फोकस कर रहे हैं रेशियो पर, तो एक रेशियो मैंने आपको दे दिया करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लो जी, अब आगे बढ़े, हमने कहा जी केस वन, रेशियो से रिलेटेड तीन ही प्रकार के, या मैं कहूंगा 2 ही प्रकार के सवाल जो है बन सकते हैं। तो भाई आपको करंट रेशियो दिया और कह रहे हैं इफ करंट एसेट्स आर ₹6 लाख, लो जी इफ करंट एसेट्स आर ₹6 लाख, कह रहे फाइंड करंट लाइबिलिटीज, अगर करंट एसेट 6 लाख रुपए के हैं तो करंट लाइबिलिटी कितने की जो है होगी। सिंपल सवाल आपको दिया है एक बार कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, तो चेक करें कोई भी अगर रेशियो गिवन हो, कैसा भी रेशियो आज की डेट में, मतलब कोई भी रेशियो गिवन हो, तो हमने कहा 2 ही वैरायटी होते हैं, जैसे रेशियो यहाँ पे क्या है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का गिवन है, और आपको एक एक्चुअल वैल्यू गिवन है, एक एक्चुअल वैल्यू गिवन है किसी भी हो सकती है, चाहे करंट एसेट की हो या करंट लायबिलिटी की। अब कह रहे हैं अगर करंट एसेट 6 लाख के हुए तो बताओ करंट लायबिलिटी कितने की जो है होगी, हाँ आप सब ने फटाफट निकाल लिया 4 लाख। तो भाई कैसे निकालने, एक बार फिर से देख लो, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है जो आपने पढ़ा होगा, तो भाई सिंपल यूनिटरी मेथड कह रहे अगर अगर करंट एसेट 3 रुपए के, जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है
हम वहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, करंट एसेट। तो मैंने कहा अगर करंट एसेट 3 रुपए के, तो बताओ करंट लाइबिलिटी कितने की होगी, 2 रुपए की। तो मैंने कहा अगर करंट एसेट 1 रुपए का हुआ तो करंट लाइबिलिटी कुछ ऐसा यूनिटरी मेथड होता है 2/3, अगर ये 3 है तो ये 2, अगर ये 1 हुआ तो ये 2/3 जो है हो जाते। तो अगर करंट एसेट 3 रुपए के तो करंट लाइबिलिटी 2 रुपए, अगर करंट एसेट 1 रुपया तो करंट लाइबिलिटी 2/3। और हमने कहा करंट एसेट अगर 6 लाख रुपए की है तो करंट लाइबिलिटी कितने की होगी, 2/3 × 6 लाख, 2/3 × 6 लाख। सिंपल सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 4 लाख जो है आपका आ जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, ये कितना आ जाएगा, 4 लाख का जो है आ जाएगा। ठीक है, इजी चल रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई सॉल्व करने का, अब पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना टाइम पास। ठीक है, तो मैं दोनों ही चीजें बताऊंगा। पेपर में तो ऑलरेडी आपको ऑप्शन गिवन होगा, पेपर में ऑलरेडी, अब पेपर में क्या हो सकता है, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, मे बी आपको गिवन है 4 लाख, आपको मे बी गिवन है 5 लाख, आपको मे बी गिवन होगा मे बी 6 लाख, मे बी आपको गिवन होगा मे बी 10 लाख। पेपर में तो ऐसे ऑप्शन जो है गिवन होगा। ठीक है, अब अपने को करना क्या है भाई, इस बात को ध्यान से चेक करो। कह रहे हैं करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी रेशियो कितना है, 3/2, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, रेशियो कितना है 3/2। और कह रहे हैं करंट एसेट अगर 6 लाख के हैं तो बताओ करंट लाइबिलिटी कितने की होगी। ठीक है, तो भाई सिंपल सा गिवन है, पर क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, x लिया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3x = 12 हो गया, x = तभी 4 लाख आ गया, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, अपना काम बड़ा सिंपल सा है। आप सबके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर आप सब लाए हैं नहीं लाए हैं? अच्छा, आपको पता होगा हमारे CA में कमाल की बात है, आई से कह रहा है कैलकुलेटर अलाउड है, आपके पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है ना, तो भाई क्लास 12 तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, पता नहीं क्यों, मेरे पास रीजन ही, पर CA के अंदर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप सबके पास कैलकुलेटर जो है होना चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेटर बहुत सारी वैरायटी के आते हैं, वैसे आप सबके पास मैंने बता दिया होगा, पर स्टिल बता देता हूँ कि भाई कैलकुलेटर जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अलग अलग कंपनी के होते हैं, तो क्या सारे मोबाइल फोन सेम होते हैं? मोबाइल फोन सैमसंग का भी होगा, मे बी एप्पल का भी होगा, अलग अलग कंपनीज के जो है होते हैं। अच्छा, अगर सैमसंग का ही मोबाइल फोन है, उसके अलग अलग मॉडल्स आते हैं, तो क्या सारे मॉडल सेम होते हैं? नहीं, सब में फर्क क्या होता है, उनके फीचर्स का। ऐसे ही जो कैलकुलेटर है, ये भी अलग अलग कंपनीज के होते हैं, और एक कंपनी के भी अलग अलग मॉडल्स जो है आते हैं, हर कंपनी का अपना फीचर है, उसके मॉडल का अपना फीचर है। तो एक कैलकुलेटर जो CA एग्जामिनेशन में बड़ा काम जो है आता है, ये वाला परचेज कर लेना, और ये कंपनी है कैसियो, और उसके बाद ये है MJ12D, ये वाला कैलकुलेटर जो है ना, यहां परचेज कर लेना। ठीक है जी, तो भाई कैलकुलेटर है कैसियो और MJ12D, बस ये पर्टिकुलर मॉडल जो है आप परचेज कर लेना, ये आपको CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल में अच्छा काम आएगा, और प्रोफेशनली भी ये कैलकुलेटर बड़ा काम जो है दे देता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, जिनके पास नहीं है ये परचेज कर लेना। परचेज करने में थोड़ा सा मुश्किल है, ये मार्केट में ये ज़्यादा रेगुलर बिकता नहीं है, क्यों, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में काम थोड़ा ज्यादा जो है आ जाता है, इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हम एग्जामिनेशन में काम करना जो है सीखेंगे, इसलिए ये वाला मॉडल परचेज कर लेना। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस मॉडल के भी मिलते जुलते कई मॉडल हैं, एक है MJ12 आपका D small a, ऐसी एक है MJ120 capital D, एक है MJ120D capital D small a, और कमाल की बात है ये चारों मॉडल बिल्कुल सेम साइज, सेम कलर, सब कुछ सेम है, मतलब दूर से पता नहीं चलता, बस यहां पर छोटा सा लिखा है, दूर से देखने बिल्कुल सेम है, हल्का सा भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहां पर ऊपर लिखा होता है। तो आपको कौन सा लेना है, MJ12D,
ये नहीं लेना, ठीक है। तो बस ये है कि ये आप जरूर बारीकी से देख लेना, MJ12D ये आपको बहुत काम जो है आएगा, और हो सके दो या तीन खरीद लेना, थोड़ा सा आपका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा पर दो या तीन खरीद लेना, क्योंकि मार्केट में जल्दी से मिलता नहीं है, ये आपको दो तीन साल तक काम अच्छे से जो है आ जाएगा, ठीक है। चलो तो भाई ये ले लोगे बेटर है, बाकी हाँ बाकी सारे कैलकुलेटर भी काम चल जाएंगे पर ये थोड़ा सा बेटर जो है रहेगा। चलो तो भाई वापस आए, तो भाई चेक करो, अब पेपर में मान लो ये सवाल गिवन है, अकाउंट्स का पेपर सब्जेक्टिव है, लॉ का पेपर सब्जेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, आई से आपको क्या दे रहा है आंसर शीट, आई से आपको क्या देगा आंसर शीट देगा, भर भर के लिख लो। पर मैथ्स का पेपर और इको का पेपर क्या है ऑब्जेक्टिव है, आईसीआई आपको एक ओएमआर शीट देता है, आपको आईसीआई क्या देगा ओएमआर शीट, उसमें लिखने की जगह जो है नहीं होती, उसमें क्या है क्वेश्चन वन सर्कल होंगे, आपको सर्कल जो है क्वेश्चन नंबर टू सर्कल्स होंगे, सर्कल जो है करना है, ठीक है। आपको कोई रफ शीट आईसीआई नहीं देता, कुछ चीजें माइंड में रख लेना, ओएमआर शीट पे लिखना अलाउड नहीं, क्वेश्चन पेपर में भी लिखना अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट सिर्फ आई से कहते हैं, मान लो आपको 20 पेजेस का क्वेश्चन पेपर अगर मिलेगा, 20 पेजेस का क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ आई से आपको जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज जो फ्रंट पेज होता है, यहाँ पे तो क्या होता है इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, इसका जो बैक पेज होता है वो ब्लैंक होता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाएगा, और जो पेपर का लास्ट पेज होता है बस ये ब्लैंक होता है और ये वाला ब्लैंक होता है, कह रहे 100 सवाल हैं और ऐसे कह रहे बस इस पेज में लिखना है और इस पेज में लिखना है, और कह रहे बीच में जितने पेजेस हैं जहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 कह रहे खबरदार इसमें आपने लिख दिया, अगर इसमें लिखोगे पेपर आपका कैंसिल जो है हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ने कहा भी आपको मतलब 100 सवाल करने के लिए कितनी शीट्स मिल रही हैं सिर्फ 2, 100 सवाल करने के लिए कितनी शीट्स मिल रही हैं सिर्फ 2, मतलब मान लो रजिस्टर के 2 पेजेस आपको दिए हैं, कह रहे 100 सवाल इसी में जो करना है कर लेना, बीच में लिखना अलाउड नहीं है, क्या ये बात समझ आती है। इसलिए अगर हम ऐसे करना शुरू करेंगे तो 100 सवाल तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा आई से कह रहे हैं एक सवाल करने में 1 मिनट ही जो है मैं आपको दूंगा, उससे ज्यादा जो है नहीं दूंगा, और कोशिश वही है जितना मेरा अनुभव भी है कि भाई आप भी आई से अभी हो सकते हैं इनिशियली पहले 10 दिन आपको लगेगा कि सर 1 मिनट में सवाल नहीं हो रहा, या 20 दिन आपको लगता है 1 मिनट में सवाल नहीं होगा, पर स्पीड आपकी इतनी हो जाएगी सारे सवाल 10-15 सेकंड में आपके जो है हो जाएंगे, पर उसके लिए आपको कम से कम 20-25 क्लासेस ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड जब फास्ट होगी अल्ट्रा स्पीड फास्ट जो है आपकी होने वाली। मैथ्स का पेपर जो 2 घंटे का होता है, अब वो डिपेंड करता है, जो बच्चे कहते हैं 2 घंटे का पेपर है 100 सवाल है, ऐसा भी होता है कई बच्चे आपकी क्लास में होंगे सर 100 सवाल थे 45 मिनट में 100 सवाल कर आ गए, 30-30 सेकंड में एक एक सवाल हुआ, 45 मिनट में हमारा सर पूरा पेपर हो गया था, ऐसे बच्चे मुझे बताते हैं, और ऐसे बच्चे बताते हैं सर 2 घंटे में 45 सवाल ही हुए, मेरा तो सारा पेपर ही छूट गया। अब ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर, तो भाई इस सवाल को कैसे करना है, इस सवाल को कैसे करना है, तो माइंड में आया करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ये मेरे को गिवन है, मैं इसी को सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटर पर मैंने सॉल्व किया, कैलकुलेटर सबको चलाना आता है, इसमें एक ऑन का बटन होता है, पहले वो दबाना बहुत जरूरी है, हाँ अगर वो नहीं दबाओगे फायदा नहीं है, पहले ऑन का बटन जरूर दबाना, तो ऑन का बटन दबाया, और अब 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बताओ जी कितनी वैल्यू आई 1.5, ये इतना सा बस मैं लिखूंगा, इतना सा मैं जो है लिख लूंगा, मैंने कहा इस रेशियो की वैल्यू कितनी है 1.5, ये करने में कितना टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड। अब मुझे कह रहे हैं ये करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटीज है, और मुझे करना क्या है, मैंने कहा कौन सा किसको किससे डिवाइड करूं कि ये मैच हो जाए, तो भाई चेक करो 6 लाख/4 लाख करके देखें, हमने कहा 6 लाख/4 लाख इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है 1.5, ये वैसे आंसर आ गया
ये मेरा आंसर हो गया। इन केस ये आंसर नहीं आ रहा होता फिर फटाफट से करता, मैंने कहा 6 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कितना आ रहा है 1.2, ये आंसर नहीं। हमने कहा 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख कितना आंसर आया 1, मैंने कहा 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कितना आया 0.6। ये पूरा करने में कितना टाइम, 15 सेकेंड 20 सेकेंड, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा सॉल्व भी कैसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेपर तो ऑब्जेक्टिव है पर सीए बनने के बाद रेशो तो चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सॉल्व करना भी बताया और पेपर में कैसे करना है वो मैंने आपको जो है बता दिया, ठीक चल रहा है। क्या हम साथ साथ हैं या अकेले हम, अकेले तुम साथ साथ हैं, चलो। तो भाई चेक करें जी केस टू, लो जी ऐसे ही केस टू। अभी ऑनलाइन वाले बच्चों सब ठीक चल रहा है? सर मेरे पास और पैट 5th एडिशन है क्योंकि स्टेशनरी की दुकान पर यही अवेलेबल था। सर आई हैव चेक्ड इट हैज़ ऑल फीचर्स ऑफ कैसियो। देखो फीचर्स ऑफ कैसियो ये कहना बड़ा मुश्किल है, आपके पास और पैट 512 बच्चा कह रहे CTN है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। होता क्या है बाहर से दिखने में तो ये बिल्कुल सेम होगा। अब मैं बहुत सारे शॉर्टकट मैथ्स में मैं कराऊंगा तो बहुत सारी वही है, जब तक आपके कैलकुलेटर में वो शॉर्टकट चलते जाए तब तक वेल एंड गुड, जब आपको लगे वो शॉर्टकट काम नहीं कर रहा तो अपना कैलकुलेटर जो है बदल देना। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ कैसियो के मॉडल में काम करेगा, कर सकता है सारे मॉडल्स में, कुछ में करता है कुछ में नहीं करता, पर हाँ क्योंकि मैं यूज हूँ इतने सालों से मैं यूज कर रहा हूँ तो इस पर मेरे सारे काम जो है कर जाते। तो भाई अगर ये मिल जाए कैसियो MG12D बहुत बढ़िया मिल तो जाता है। और कोई बच्चे सर मैंने दूसरा खरीद लिया है, कोई बात नहीं बेटा 300-400 रुपए का आएगा फिर से जो है खरीद लेना। हाँ ऑनलाइन बच्चा कह रहे हैं Amazon से मिल जाएगा सर बहुत स्टॉक पड़ा है। तुम्हें कैसे पता Amazon में स्टॉक बहुत पड़ा है, चलो ठीक है कह रहे हैं Amazon पे स्टॉक बहुत पड़ा है मिल जाएगा, ठीक है चलो। बच्चा क्या कह रहे हैं सर कैलकुलेटर कितने टाइम तक काम कर सकता है। मैं जब इस कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं तो प्लीज समझना मैं इसका एजेंट नहीं हूं कि बच्चा पूछ रहा है सर इसकी लाइफ कितनी है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। हाँ मतलब ये बस काम आ जाता है तो मैं इसका कमीशन एजेंट नहीं हूं, मेरा इसमें कोई कमीशन नहीं है तो चल जाएगा, ठीक है। देखो चाइना का माल नहीं है तो चल जाना चाहिए, चलो और आगे आ जाए। चलो लो जी फिर वापस आए केस टू, तो भाई लिख लो कह रहे इफ इफ करंट लाइबिलिटी इज रुपीज 6 लाख, इज रुपीज 6 लाख, अगर करंट लाइबिलिटी 6 रुपए की है तो कह रहे हैं फाइंड करंट एसेट, फाइंड करंट एसेट। हाँ ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन ये कैलकुलेटर मिलता है, हाँ ये कैलकुलेटर नॉर्मली शॉप्स पे नहीं मिल रहा, ये आपको ऑनलाइन ही बाय जो है करना पड़ेगा, ठीक है। कि ये कैलकुलेटर मतलब ऑनलाइन ही मिलता है भाई, ये ऑफलाइन दुकानों पे थोड़ा सा कम जो है मिलता है क्योंकि बिजनेसमैन ये यूज नहीं करते, मतलब क्या होता है ना कैलकुलेटर में अलग अलग फीचर्स हैं तो मैक्सिमम लोग इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसमें वो फीचर नहीं है जो रियल लाइफ में यूज होता, सारी बात ये है। इसमें वो वाला फीचर है जो एकेडमिकली यूज होता है, इसलिए इसे स्टूडेंट परचेज करते हैं, ज्यादा वे लोग परचेज नहीं करते, ठीक है चलो। एनीवेज अच्छा बच्चों ने तो आंसर ही निकाल कर दे दिया है, कितना आ गया 9 लाख, है ना। आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो भाई कैसे करना है, करंट लाइबिलिटी गिवन है तो अब मेरा सेम रेशियो था 3:2, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू क्या थी 2, तो अब सॉल्व अगर करेंगे तो ये कहेंगे करंट लाइबिलिटी अगर 2 रुपए की है तो करंट एसेट 3 रुपए का होगा, करंट लाइबिलिटी अगर 1 रुपए की हुई तो करंट एसेट 3/2 यूनिटरी मेथड नीचे आ जाएगा, और अगर करंट लाइबिलिटी 6 लाख की है तो एक करंट एसेट कितना आ जाएगा 3/2 × 6 लाख, तो भी आंसर कितना आया 9 लाख जो है आ जाएगा। ये तो सॉल्व करने की बात,
पर पेपर में ऐसा कोई सॉल्व नहीं करेंगे। पेपर में तो क्या होगा, वही चार ऑप्शंस जो है गिवन होंगे, ए बी सी और डी गिवन जो है होगा। अपने को क्या करना है, पहले रेशियो गिवन है 3:2, मैंने सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आई 1.5। और अब क्या करना है, अब मान लो यहाँ पे वही गिवन है, मान लो 6 लाख गिवन है आपको, 7 लाख गिवन है आपको, 9 लाख गिवन है आपको, 10 लाख गिवन है। अब ये है करंट लाइबिलिटी। अब मुझे 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख किया तो भाई 1.5 नहीं आ रहा, 7 लाख डिवाइड बाय 6 लाख करूंगा तो 7 लाख डिवाइड बाय 6 लाख वो कितना आ रहा है, 1.16 बार जो है आ जाएगा। फिर 9 लाख डिवाइड बाय 6 लाख करूंगा, ये 1.5 जो है आ जाएगा। लो जी, आराम से चेक कर लो, क्या ये एक मिनट में कर लोगे, हो जाएगा आराम से, तसल्ली से हो जाएगा। और आगे बढ़ जाए, लो जी फिर आगे आ जाए, चलो फिर आगे जो है आ जाए। बच्चा कह रहे कैलकुलेटर पुरानी दिल्ली मिल जाएगा, नहीं हम तो नई दिल्ली मिलेंगे, हम पुराने लोगों से नहीं बात करेंगे, ठीक है आगे बढ़ेंगे। चलो फिर आए केस 3, चलो केस 3 कह रहे इफ वर्किंग कैपिटल इज ₹6 लाख, इफ वर्किंग कैपिटल इज ₹6 लाख, अगर वर्किंग कैपिटल 6 लाख हो, हाँ जी, तो कह रहे हैं फाइंड करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। चलो तो भाई अगर वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपीस का है तो मुझे क्या निकालना है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। लो जी, तो भाई अब चेक करें, दो ही वैरायटी वर्ड प्रॉब्लम में आती है, रेशो कैसा भी आ जाए तो रेशो कैसा भी है, दो वैरायटी होंगी भाई। आपको एक रेशो गिवन है 3:2, या तो क्या होगा इसी में से करंट एसेट के मान लो 6 लाख दिए या करंट लाइबिलिटी के 6 लाख दिए, कोई भी रेशियो गिवन हो, प्रॉफिट रेशियो, डेट इक्विटी, एसेट टर्नओवर, कुछ भी रेशियो गिवन हो, या तो एक वैरायटी क्या, इसी में से एक की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होगी तो हम क्या यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड। तो हम क्या यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड। डेट इक्विटी रेशियो गिवन है, अगर डेट गिवन है इक्विटी निकालना है, इक्विटी गिवन है डेट निकालना है, हम क्या यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड जो है यूज कर लेते हैं। 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, एक पार्टनर की एक्चुअल वैल्यू गिवन है, हम क्या यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड जो है यूज करेंगे। या तो एक ये वैरायटी है, स्पीड एक रेशियो है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस गिवन है टाइम निकालना है, टाइम गिवन है डिस्टेंस निकालना है, हम क्या यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड। या फिर एक ये होता है कि भाई हमें रेशियो गिवन है और जो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है वो ना तो करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है। हमने कहा जो भी रेशियो गिवन है, सोचो डेट इक्विटी रेशियो गिवन है, पर ना तो डेट गिवन ना इक्विटी, कुछ और ही वैल्यू जो है हमें दे दी है, और हमें अब निकालना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो भाई अब कैसे जो है करें, तो भाई अगर ऐसी वैरायटी आ जाए, कोई भी रेशियो हो, हम एक जनरल कंसेप्ट समझ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद इंटर में बहुत सारे रेशियोज पढ़ोगे, फाइनली बहुत सारे रेशियोज जो है आप पढ़ेंगे। तो हमने कहा रेशियो ब्रॉडली अपने को समझ आना है कि अगर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो जो रेशियो का पार्ट नहीं है, रेशियो किसका था, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, वैल्यू किसी और चीज की गिवन है, तो अब क्या करना है। तो भी अब इस बात को समझे, सबसे पहले तो एक काम करना है कि जो मुझे निकालना है और जो गिवन है इसके बीच में मुझे एक रिलेशन सोचना पड़ेगा कि भी ये जो वैल्यू है किसकी है, वर्किंग कैपिटल। क्या आप सोच के बता सकते हो वर्किंग कैपिटल इस रेशियो से कैसे मिलता है, रेशियो किसका है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी का क्या वर्किंग कैपिटल से कोई रिश्ता है, रिश्ता है, कैसे निकालोगे, आपने कहा जी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी,
ठीक है। साइंस वाले बच्चे वैसे याद कर लेना, पेपर में सवाल नहीं आता ये, अब आप इंटर में जो है पढ़ोगे तो इंटर में पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, पूरा एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वहां सारी चीजें पढ़ेंगे। तो एक इक्वेशन हमने बनाई, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी रेशियो में हो सकता है ऐड हो, किसी रेशियो में मल्टीप्लाई हो, किसी में कुछ भी हो जाए, तो जो मुझे एक इक्वेशन बनानी जो है पड़ेगी। जैसे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में मैंने एक इक्वेशन बनाई, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। अब इसके बाद अब वही है, वर्किंग कैपिटल तो मुझे पता है कितनी, 6 लाख। करंट एसेट नहीं पता, करंट लाइबिलिटी जो है मुझे नहीं पता, अब कैसे करें, अब कैसे करें, तो बात वही थी, कह रहे करंट एसेट इज टू करंट लाइबिलिटी रेशियो कितना है, 3:2, रेशियो कितना है, 3:2। इसी को फिर से बोलना है, अगर करंट एसेट 3 रुपए के हुए तो करंट लाइबिलिटी 2 रुपए की, अगर करंट एसेट 30 रुपए के हुए करंट लाइबिलिटी 20 रुपए की, अगर करंट एसेट 300 रुपए के हुए करंट लाइबिलिटी 200 रुपए की, अगर ये 3000 हुए ये कितना होगा 2000, ये अगर 30000 हुए ये कितना होगा 20000। तो मुझे पता नहीं कितना होगा, मुझे नहीं पता, पर ये मुझे समझ आ रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये बात तो समझ आती है। और दूसरा मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इसको 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं 100 से करूं तो यहां भी 100 से, यहां 1000 से करूं तो 1000 से, 10000 से करूं 10000 से, 3 को अगर 5 से करूं तो 2 को भी 5 से करना पड़ेगा, 3 को अगर 7 से करूं तो 2 को भी 7 से करना पड़ेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि एक मल्टीप्लायर वो मेरा क्या है, सेम होना चाहिए, एक मल्टीप्लायर मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे नहीं पता। और तो ये बस ऐसे हम कहते हैं लेट दिस मल्टीप्लायर बी एक्स, तो मैंने कहा लेट करंट एसेट बी 3x, तो करंट लाइबिलिटी कितना हो जाएगा 2x, तो मैंने कहा लेट करंट एसेट भी 3 का कुछ मल्टीपल है, कितना मल्टीपल मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या मल्टीपल है, एक x है, तो भाई 3x एंड 2x, तो मैंने एक यहां पर किया, तो मैंने कहा भाई 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना आया 6 लाख, और यहां जब सॉल्व किया x कितना आ गया 6 लाख, तो ये मल्टीप्लायर आ गया कितना 6 लाख। इसका मतलब अब करंट एसेट क्या है 3 × 6 लाख, ये कितना आ गया 18 लाख, और करंट लाइबिलिटी वो क्या है 2 × 6 लाख, ये कितना हो गया जी 12 लाख। थोड़ा सा फिर से समझा देता हूं, तो भाई इस बात को फिर से चेक करें, सर आखिर ये एक्स क्या है, तो भाई इसी की बात करें, तो भाई सारी स्टोरी भाई स्कूल की बात करें, जो मैंने कहा था ना क्लास 5th तक आपको स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, 6th में जाके थोड़ा सा ना गड़बड़ घोटाला जो है हो गया। तो जितना आपको याद हो ऐसे ना क्लास 5th में ऐसी वर्कशीट्स आपको मिला करती थी, ऐसा कुछ होता था कि 5+ ऐसे बॉक्स सा बना होता था, यहाँ पे होता था 7, कह रहे फिल इन द बॉक्सेस, याद है सब बचपन की याद है, ऐसा कुछ होता 10-, ऐसा कुछ बॉक्स होता था, मैं भी यहाँ पर लिखा है 4, फिल इन द बॉक्सेस, ऐसे कुछ था, यहाँ पर ये लिखा है मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू मे बी 10, फिल इन द बॉक्सेस, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ बॉक्स आप फिल करते थे, तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, आपने कहा 6 आ गया, बताओ यहाँ पर क्या आएगा 5 जो है आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसी वर्कशीट्स आपने स्कूल में पढ़ी थी, आपको बड़ा मजा जो है आता था। फिर जैसी क्लास 5th से आप क्लास 6th में गए, पता नहीं क्या स्कूल वालों को लगा, उन्होंने इतनी सी वर्कशीट को बस चेंज कर दिया, उन्होंने कहा ये क्या डब्बा बना रहे हैं, इस डब्बे को क्या बोल दिया एक्स बोल दिया बस, और यहीं से वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल शुरू जो है कर दिया था। तो वही है, उन्हें क्या कहा भाई 10-, कह रहे डब्बा क्या है एक्स है, कह रहे दिस इज इक्वल टू 4, कह रहे डब्बा क्या है एक्स है, तो भी कह रहे इक्वल टू 10, कह रहे सॉल्व फॉर एक्स, इतना था, ये क्या था सिंपल सी बात थी सॉल्व फॉर एक्स, यहाँ पे क्या बोलते थे फिल इन द बॉक्सेस, बस ये बॉक्सेस को ही उन्होंने क्या बोल दिया बस एक्स जो है बोला है, मतलब ये एक्स कुछ नहीं ये क्या है डब्बा है, इतनी इस बात समझ आती है, इतनी इस बात। तो भाई आप चेक करें तो बस आपको बस ये जो है आपने सॉल्व किया आपका आंसर जो है आ जाएगा, कंफर्टेबल है, हाँ जी। तो भाई एक्स क्या है
डब्बा, एक्स क्या है डब्बा, सारे मिलके बोलेंगे एक्स क्या है डब्बा, बस ये ध्यान रखना, हाँ ये बस ध्यान रखना, एक्स क्या है डब्बा, फिर से बोलो एक्स क्या है डब्बा, और अगर आज तुम्हें अपने एक्स की याद आ रही है तुम क्या हो डब्बा, एक्स क्या है डब्बा, एक्स को छोड़ना भी है, ठीक है, एक्स क्या है डब्बा, और अगर तुम आज भी एक्स की याद में डूब रहे हो तुम क्या हो बड़ा डब्बा, चलो, और डब्बा कहाँ जाता है डस्टबिन में, डब्बा कहाँ जाता है डस्टबिन में, ठीक है, चलो, ओहो सर आपने एक्स की याद दिला दी, हाँ लो ऑनलाइन बच्चे कह रहे मेरे पास दो डब्बे, वेरी गुड, हाँ बहुत ही बढ़िया, डब्बे में डब्बा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है चलो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो तो फाइनली अब हमें समझ आया एक्स क्या है डब्बा, बस डब्बे की जगह कहाँ होती है डस्टबिन में, है ना, पुराना डब्बा डस्टबिन में, चलो और आगे बढ़ जाए, चलो जी, तो भाई आराम से चेक कर लें, ठीक है, और अब फिर से ये तो किया सॉल्व करने का तरीका, पेपर में क्या होगा वही चार ऑप्शन ए बी सी और डी, पेपर में वही चार ऑप्शन जो है आ जाएंगे, मे बी गिवन है 3 लाख और 2 लाख, ऐसा हो सकता है मे बी 6 लाख और 4 लाख, ऐसा भी हो सकता है 10 लाख और 4 लाख, और ऐसा भी हो सकता है 18 लाख और 12 लाख, ठीक है जी, चलो तो भाई अब वही चेक करें, पेपर में तो ये गिवन होगा, सॉल्व करना सिखाया, अब पेपर की बात करें तो पेपर में क्या कह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख, इसका मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना होना चाहिए 6 लाख, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो कितना होना चाहिए 3:2, ठीक है, अब पेपर में सारा काम हमें ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करना, पेपर में अब दोनों चीजों को चेक करना है, अब चाहो तो पहले इसको चेक कर लो किसका सब्ट्रैक्शन 6 लाख आ रहा है, तो हमने यहां पे शुरू किया, मैंने कहा 3 लाख माइनस 2 लाख कितना होता है 1 लाख, ये आंसर नहीं होगा, 6 लाख माइनस 4 लाख कितना होता है 2 लाख, आंसर नहीं होगा, 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख आंसर हो सकता है, 18 लाख माइनस 12 लाख 6 लाख आंसर हो सकता है, तो दोनों चीजें चेक करनी, एक तो वर्किंग कैपिटल चेक किया, ये करने में कितना टाइम 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड, अब दो आंसर्स अगर आ रहे हैं तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, अब दोनों को डिवाइड करके चेक क्या करना है 1.5 आना चाहिए, तो इसको अगर डिवाइड करोगे हमने कहा 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख कितना आ रहा है 2.5, ये भी नहीं होगा, तो भाई अब इसको चेक कर लो 18 लाख डिवाइड बाय 12 लाख कितना आया 1.5, ये मेरा आंसर हो गया, क्या ये बात समझ आती है, तो पेपर में ऐसे सॉल्व करना है, पर मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं क्यों, आपको अच्छा सीए भी बनाना है तो सॉल्व करना भी आना चाहिए, पर एट द एंड पेपर में अगर ऐसे सॉल्व करोगे एक तो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि ऐसे सॉल्व करोगे 1 मिनट से ऊपर जो है आपका लग जाएगा, दूसरा इतना स्पेस ही नहीं है, 100 सवाल करने हैं 2 पेज में, क्या ये बात समझ आती है, ठीक चल रहा है और आगे बढ़ जाए, चलो जी, तो भाई आई होप यहां तक सारा ठीक चल रहा है, चलो जी और आगे जो है आ जाए, डब्बे में डब्बा डब्बे में एक्स, वैभव सर इज द बेस्ट, ये क्या था, चलो ठीक है जो भी था अच्छा था, पर तुमने एक्स के साथ मेरे को क्यों जोड़ा है, ठीक है अच्छा, डब्बे में एक्स और वैभव सर इज द बेस्ट, चलो ठीक है, हाँ अपने एक्स को डब्बे में डाल के पैक कर देना, बहुत ही बढ़िया, चलो ठीक है और आगे बढ़ जाए, सर आपके पास कितने डब्बे हैं, ठीक है आगे बढ़ जाए, हाँ ठीक है वेरी गुड, हाँ बहुत ही बढ़िया, चलो और के बच्चे क्या कह रहे हैं, चलो थैंक यू सर मोटिवेट करने के लिए, अच्छा तो वैसे मोटिवेट भी हो गए, हाँ बहुत ही बढ़िया, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए, कोई ढंग का कोई डाउट किसी का रह गया हो, ढंग का कोई डाउट, हाँ सर मैंने अपना डब्बा पैक करके दूर फेंक दिया है, ठीक है बहुत बढ़िया, फ्रिज में, चलो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है,
चलो 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 आगे बैठते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चलो जी आ जाओ। टाइप्स ऑफ रेशियोस, कोई ढंग का कोई डाउट हो कि सारा समझ आ रहे हैं? हाँ सर सारा समझ आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है जी, चलो जी ठीक है, वेरी गुड। चलो टाइप्स ऑफ रेशियो फिर लिख लेते हैं। हाँ जी टाइप्स ऑफ रेशियोस, लो जी लिखना शुरू करते हैं। तो भी कह रहे हैं इफ, हाँ जी इफ द रेशियो, इफ द रेशियो इज ए इज टू बी, अगर रेशियो है ए इज टू बी। अब बहुत सारे फॉर्मूले जो है सीखेंगे और कोशिश करें फिर से। जिन बच्चों ने ये क्लास पहले अटेंड करके, आप चुप रहना, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है आप बताना आपके हिसाब से क्या रेशियो होना चाहिए। कोशिश है पूरे मैथमेटिक्स में, एक होता है फॉर्मूला मैं आपको दूं आप याद करें, दूसरा तरीका फॉर्मूला आप ही बनाते जाएं और आप लिखते जो है चले जाएं। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उनसे मैं पूछ रहा हूं, एक रेशियो मान लीजिए गिवन है ए इज टू बी और आपको कह रहे हैं वैसे ही सोचना, कह रहे अगर ए टू बी एक रेशियो है तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं इनवर्स रेशियो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अगर रेशियो है ए अपॉन में बी, तो बताओ इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो ए टू बी का उल्टा क्या होगा? बी टू ए। इनवर्स रेशियो क्या हो गया? बी टू ए। क्या ये अब लाइफ लॉन्ग याद हो जाएगा? ठीक है, मैंने कहा आज के मैथमेटिक्स में कोशिश वही है, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले आप खुद लॉजिकली बनाओगे। मेरा काम यहां पर जो है आपको फॉर्मूले लिखवाना नहीं है, आप ही फॉर्मूले जो है बनाते जाओ लिखते जाओ, याद मस्त जो है हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है क्लास में ही मैथमेटिक्स इतना करा दूंगा, घर जाके अपनी हॉबीज जो है परस्यू जो है आप करते जाए। ठीक है जी, चलो इसके बाद नेक्स्ट चेक करें। लो जी इसके बाद नेक्स्ट चेक करें, आराम से सोचते जाएं, इनवर्स का मतलब क्या था? उल्टा। ऐसी अब नेक्स्ट चेक करो, शब्द है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी एक रेशियो है, इसका डुप्लीकेट क्या होगा? डुप्लीकेट तो ए अपॉन में बी होगा, डुप्लीकेट मतलब जुड़वा सेम, तो हमने कहा डबल नहीं करे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट तो क्या होता है? आपका डुप्लीकेट, आप जैसा एक और आ जाए धरती बर्बाद हो जाएगी। चलो डुप्लीकेट जैसा ये वैसा, आप जैसा नहीं जैसा ये वैसा, डुप्लीकेट बिल्कुल सेम। ठीक है, तो डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं तो ए इज टू बी का डुप्लीकेट क्या होगा? ए इज टू बी। कह रही है दोनों अगर साथ खड़े हो जाएं, अगर दोनों साथ खड़े हो जाएं या इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, बस एक रेशियो ने ऐसे जो है बनाया, तो रेशियो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। तो कह रहे ए इज टू बी का डुप्लीकेट एक साथ अगर आ जाए तो भाई उसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है जी, अगर ये समझ आया तो ध्यान से मुझे बताओ ट्रिप्लीकेट रेशियो फिर क्या होना चाहिए? ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगर ये सोच समझ आई तो ट्रिप्लीकेट मतलब ए अपॉन बी जुड़वा तिड़वा, ऐसा होता है ए इज टू बी ए इज टू बी ए इज टू बी, है ना? ट्रिप्लीकेट ये तीनों अगर एक साथ आ जाएं तो बताओ आंसर क्या होगा? ए क्यूब इज टू बी क्यूब। कर लोगे? याद हो रहे हैं साथ साथ तो मुस्कुरा भी सकते हो, बस रीजनेबल मुस्कुराना है। देखो इस समय दिशहरा बन रहा है, ज्यादा मुस्कुराओगे कोई आपको पकड़ के ना ले जाए। ठीक है हाँ, तो भाई मतलब उतना कि लगे कि देवी लग रहे हैं आप, सज्जन पुरुष और वो सब लग रहे हैं। हाँ राक्षस वाला मत मुस्कुरा देना। तो उसके बाद फिर आ जाए फोर्थ, अगर ये समझ आया, हाँ जी अगर ये समझ आया, अगला शब्द जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सोचें, वर्ड आ रहा है सब डुप्लीकेट। अपने आप से एक बार सोचें, जब भी एक वर्ड आता है सब, आपके माइंड में जब एक सब है आपका माइंड क्या कह रहा है? कुछ बड़ा होगा या कुछ कम होगा? हाँ जी, जब भी सब आ रहा है तो कुछ बड़ा होना चाहिए कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा लॉजिकली अपने ब्रेन से पूछो, आपका ब्रेन बहुत लॉजिकल है और आपके ना मेरा जो पर्पस है आपको आपके ब्रेन से दोस्ती जो है मुझे करवानी है। अपने ब्रेन से पूछो कि भी जब भी सब आया उसने कहा कुछ हटना कम होना चाहिए, भी सब डिवीजन होता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट में अगर हमने स्क्वेयर करा ऐसी तुक्का मार लो, तो सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे?
स्क्वायर रूट जो है कर लेंगे, तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो है हो जाएगा। डुप्लीकेट में अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट जो है कर देंगे। और अगर ये समझ आया, अगला आप ये बताओ आगे क्या लिखवाऊं, नेक्स्ट क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट। देखा, अब आप हो गए अंतर्यामी, है ना, अब आप त्रिकालदर्शी हो गए। अब आपको फ्यूचर भी दिख रहा है कि सर आगे अब आप बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट, कमाल हो गया, इतनी जल्दी ज्ञान की रोशनी आ गई है। लो जी, और सब ट्रिप्लीकेट आप बताओ आंसर क्या होना चाहिए, हाँ जी, क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर रहे थे तो सब में क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट जो है कर रहे हैं। ठीक है जी, कुछ के बाद समझ आते हैं, पांच फॉर्मूले हमने याद जो है कर लिए, वो घर में एक घंटे में याद कर लोगे, है ना, ऐसे छत पे जाके टू एंड फ्रो घूमना होगा, फिर स्टोर खोल के बंद करके आंख बंद करके आंख खोल के चिल्ला कर बहुत कुछ करे, फिर मम्मी को सुनाने, पापा को सुनाने, फिर पापा थप्पड़ मारेंगे याद नहीं हुआ। अब वो सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, अब आप बड़े हो गए, है ना, अब ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ, याद हो गया होगा। लो जी जल्दी से याद कर लें, रेशो अगर ए अपॉन में बी है, पहला रेशो कौन सा, हाँ जी इनवर्स रेशो, इनवर्स का मतलब उल्टा करना, उल्टा करना ए अपॉन बी का, बी अपॉन में ए। नेक्स्ट रेशो कौन सा है, डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट ट्रिपल तीन बार मल्टीप्लाई करना, तो ए क्यूब इज टू बी क्यूब। फिर नेक्स्ट कौन सा है, सब डुप्लीकेट रेशो, वो क्या है, रूट ए इज टू रूट बी। फिर क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। बोलना है, बोलना है, डब्बे की याद आई, डब्बा है, कहां खो गए थे, मैं पढ़ा रहा हूं और आप अंतर ध्यान, किसकी याद में, डब्बा, कोई बात नहीं, चलो इधर उधर, सबके अपने डब्बे हैं, उसके डब्बे को आप याद मत करें, हो गया होगा डब्बा याद आ गया, हो जाता है ऐसा कई बार, डब्बा याद आ गया तो आ गया, बोलने का मन नहीं था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छे से हो गया, चलो फिर से चेक करें, हाँ चलो फिर चेक करें, एक एग्जांपल अगर करें, 9:4, लो जी 9:4, अगर ये रेशियो है 9:4, जल्दी से बताओ इनवर्स रेशियो क्या होगा, आपने कहा 4:9, एक मिनट में कर लोगे, पेपर में ये सवाल आता है, एक मिनट का हो जाएगा, एक नंबर पक्के हो जाएंगे, हाँ सर। दूसरा बताओ डुप्लीकेट रेशियो, इसका, हाँ जी इसका कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4 का स्क्वायर 16। इसका अगर ट्रिप्लीकेट करना हो तो 9 का क्यूब, कैलकुलेटर पे करके देखो कितना आ रहा है, 729, 4 का क्यूब 64 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, कर लोगे 9 अंडर रूट दबाया 3, 4 अंडर रूट दबाया 3:2 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो करना है, ये शायद मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बस इतना ही लिखूंगा 9 का क्यूब रूट इज टू 4 का क्यूब रूट, 9 का क्यूब रूट इज टू 4 का क्यूब रूट। ठीक चल रहा है, क्या हम साथ साथ हैं या अकेले हम, अकेले तुम, साथ साथ हैं, मस्त चल रहा है, और आगे बढ़े, चलो जी फिर और आगे जो है बढ़ जाते हैं, लो जी ठीक है, और आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, लो जी फिर आ जाए कंपाउंड रेशियो, लो जी फिर सोचिए, जब भी कंपाउंड शब्द आता है तो आपके माइंड में क्या आता है, कुछ इकट्ठा करना। ठीक है, कंपाउंडिंग, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने सुना होगा तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड आता है, कंपाउंडिंग का मतलब जोड़ना, इकट्ठा जो है करना। ठीक है, बस यहां पर कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कुछ इकट्ठा करना, इकट्ठे के दोनों तरीके होते हैं, ऐड करके भी हम जोड़ते हैं और हम मल्टीप्लाई करके भी जोड़ते हैं, जैसे 2+4 भी इकट्ठा किया या 2 × 4 भी हमने कुछ इकट्ठा जो है किया, बस यहां पर हम नॉर्मली मल्टीप्लाई जो है करते हैं। तो हमने कहा बहुत सारे रेशियोज हैं,
बहुत सारे रेशियोज हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करना मल्टीप्लाई के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, आज की क्लास या नेक्स्ट क्लास में जो है सीखेंगे, सबको सीखेंगे, पर एक बार से सीख लेते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब इकट्ठा करना, तो कह रहे बहुत सारे रेशियोज हैं उनको अगर एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया रेशियो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। तो लिख लो, कह रहे हैं इफ रेशियोज आर ए अपॉन में बी, सी अपॉन में डी, कॉमा ई अपॉन में एफ। तो भाई अगर रेशियोज हमारे पास कई सारे रेशियोज हैं तो भी कह रहे हैं कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो कह दो या रेशियो कंपाउंड कह दो, एक ही बात है। तो क्या करना है, इन सब रेशियोज को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, बस यहां पे मल्टीप्लाई हम यूज कर रहे हैं, इन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो, ए बाय बी, मल्टीप्लाई बाय सी बाय डी, मल्टीप्लाई बाय ई बाय एफ। आंसर क्या आ गया, ए सी ई अपॉन में बी डी एफ जो है आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक चल रहा है। तो चेक करो पेपर में सवाल अब कैसा आ जाएगा, मान लीजिए कह रहे हैं फाइंड द रेशियो कंपाउंड, रेशियो कंपाउंड कह दो या कंपाउंड रेशियो जो है कह दो, कह रहे फाइंड द रेशियो कंपाउंड ऑफ, फाइंड द रेशियो कंपाउंड ऑफ कह रहे टू बाय थ्री एंड फाइव बाय फोर। तो भाई कह रहे टू बाय थ्री एंड फाइव बाय फोर, तो भाई करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई। तो भाई टू बाय थ्री, अब रेशियो कंपाउंड अगर निकालने तो क्या करेंगे, टू बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय फोर। लो जी सॉल्व करके बता सकते हो आंसर क्या आएगा, हाँ जी कितना, टेन बाय ट्वेल्व जो है आ जाएगा। ठीक है भाई, आंसर आपने 2 इंटू फाइव किया कितना 10, 4 इंटू थ्री कितना हो गया 12 आ गया, और अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो कितना आएगा, हाँ जी 5 बाय 6 जो है आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी, तो भाई रेशियो कंपाउंड क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई जो है करना है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे, पर पेपर में कैसे करना है ये तो बड़ा सिंपल सा दिया, पेपर में हो सकता है यहाँ पे 1 कर दो, 51 कर दें, 142 कर दें, 132 जो है कर दें। अब अगर सॉल्व करना हो फिर से चेक करो करना क्या है, पेपर में जैसे अगर ये सवाल गिवन हो, अभी आपको मैंने इजी दिया तो यहाँ मान लीजिए 2 बाय 3 5 बाय 4, तो पेपर में बात वही है, ऑप्शंस गिवन होंगे, तो भाई चेक करो पेपर में क्या है, ऑप्शंस गिवन होंगे, मे बी आपको 4 बाय 7 दे दिया, 2 बाय 9 दे दिया, 5 बाय 6 दे दिया, 2 बाय आपका 4 आप 2 बाय 5 जो है मे बी दे दिया। ठीक है, अब पेपर में कैसे करना है, कह रहे फाइंड द रेशियो कंपाउंड, ऐसा कोई टाइम पास अपन जो है नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में सवाल गिवन होगा, कैलकुलेटर मेरे पास होगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे सारा काम अपन करेंगे, और क्या करना है, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो हमने कहा, या ऐसे करना चाहो पहले इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना चाहो जैसा आपका मन करे। तो भाई आपने कहा मान लो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैंने कहा 2 डिवाइडेड बाय 3 मैंने सॉल्व कर लिया, एक वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 डिवाइड बाय 4 से, मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, एक वैल्यू आ गई, बताओ जी कितनी वैल्यू आ रही है, 0.833333382 बार। ठीक है जी, तो मैंने कहा अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैंने कहा 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, जो भी कह रहे थे मैंने सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये वैल्यू निकालने में कितना टाइम आपको लगेगा, 2, 4, 5, 10 सेकेंड, ये वैल्यू बस लिख लो और अब ऑप्शन चेक कर लो, 4 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू, ये तो 0.5714 आंसर नहीं है, 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 0.22222 आंसर नहीं है, 5 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू, ये मेरा आंसर आ गया, बात खत्म। क्या ही बात समझ आती है, हमें इस तरीके से करना है तो क्या ये सवाल 10-15 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़े, हाँ सर, तो भाई एक सवाल अब आप करके बताओ, तो भाई अब एक सवाल आप मुझे कर बताएं,
कह रहे हैं पेपर का सवाल, कह रहे हैं इफ रेशियोज आर 2 / 3, 9/15, 7/6 एंड 2/35, फाइंड कंपाउंड रेशियो। ये पेपर का एक नंबर का सवाल और आपको ऑप्शन दे रहे हैं फाइंड कंपाउंड रेशियो। ऑप्शन ए दे रहा है 10/75, ऑप्शन बी दे रहे हैं आपका 3/75, ऑप्शन सी दे रहे हैं 2/75, ऑप्शन डी दे रहे हैं 4/75। ये पेपर का सवाल एक नंबर का। हाँ जी, सी आंसर आ रहा है, तो भाई आराम से चेक कर लो। 10/75, 3/75, 2/75, 4/75, आंसर इज 2/75, आंसर इज 2/75। सिंपल सा काम कैसे करेंगे, फिर से काम बड़ा सीधा सा है। मैंने पहले इसको सॉल्व करा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/15 मल्टीप्लाई बाय 7/6 मल्टीप्लाई बाय 2/35 इक्वल टू, ठीक है। अपना काम सिंपल सा है, ये सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ रहा है 0.02666 0.26 बार। सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/15 मल्टीप्लाई बाय 7/6 मल्टीप्लाई बाय 3/35, सिंपल मल्टीप्लाई करना था। करने में कितना टाइम, 2, 4, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, सिर्फ इतना सा लिखना है। और वो समझे, जब इतना सा लिखना होगा तो क्या 2 पेजेस में 100 सवाल हो जाएंगे, अब आराम से हो जाएंगे। और अगर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे लिखोगे, फिर पॉसिबल जो है नहीं है। तो ये काम किया और फिर फटाफट से 10/75 इक्वल टू 0.13 बार कैंसिल, 3/75 इक्वल टू 0.04 कैंसिल, 2/75 ये आंसर 0.26 बार, ये मेरा आंसर जो है हो गया, ठीक है जी। कर लोगे अच्छे से और आगे बढ़ जाए तो भाई एक नंबर आपका और जो है पक्का जो है होता हुआ। डेली बेस पर एक दो दो नंबर पक्के जो है हम करते जो है जाएंगे, मजाक मजाक में। भाई जिनको डर है सीए होगा कि नहीं होगा, सीए तो हो जाएगा, बस मेरा टारगेट है आपका 300 प्लस क्रॉस जो है मुझे करवाने, और इंपॉर्टेंट वही है मुस्कुराते हुए। हाँ, टेंशन के साथ 300 क्रॉस भी करवा दूंगा, पर मेरे को है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए हुए 300 क्रॉस करवा दूंगा, तो मजा जो है आएगा। और आगे बढ़ जाए, चलो तो भाई ऐसे ही चेक करो नेक्स्ट। हाँ सर, अब तो एक सवाल और दे दो। लो बेटा, कह रहे हैं फाइंड, लो जी फाइंड द कंपाउंड रेशियो, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 7/9, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 7/9, कॉमा इनवर्स रेशियो ऑफ 14/5 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/2। तो भाई फिर से चेक करो, पेपर के 4 ऑप्शंस दे देता हूं। 5/4 ऑप्शन बी, 5/8 ऑप्शन सी, 5/16 ऑप्शन डी, नन ऑफ दीस। तो भाई कैसे करना है, अब मेरे को लगता है लिख लेते हैं। पहला है 7/9, मल्टीप्लाई करना है इसके इनवर्स से, इनवर्स कितना आएगा 5/14, मल्टीप्लाई करना है इसके डुप्लीकेट से, डुप्लीकेट का मतलब 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इतना जो है मैं लिख लूंगा। और अब काम फिर से कैलकुलेटर में, 7
डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, बताओ जी कितना आ रहा है, 0.6249999, ऐसा कुछ जो है आ रहा है। लो जी 6249999 जो है आ गया है। तो 5 डिवाइड बाय 4 ये तो नहीं आया, 1.25। 5 डिवाइड बाय 8 ये आपका जो है ये आ रहा है 0.625, इस पर मैं आ जाता हूँ। और 5 डिवाइड बाय 16 ये तो दूर तक नहीं आ रहा। अब दो ऑप्शंस हैं, हाँ जी, अब दो ऑप्शंस जो है यहाँ पर मेरे आ रहे हैं। एक है 5 डिवाइड बाय 8 पर ये तो क्या है 0.625, पर मेरा आंसर क्या आ रहा है 0.6249999, पेपर का सवाल है। तो आंसर 5 बाय 8 होगा या नन ऑफ दीज होगा, हाँ जी, तो एक बार चेक कर लो 5 बाय 8 होगा या नन ऑफ दीज होगा, हाँ जी, कितने कह रहे 5 बाय 8 होगा, ये कैसे होगा, ये तो आंसर है 625, और मेरा आंसर जरा सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है 6249999, ये दोनों सेम है। एक बार जरा करो 7 डिवाइड बाय 9, एक बार जरा करना 7 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 4, एक बार जरा करो, हाँ जी, तो आंसर कितना आ रहा है 0.6249999999, ये आपका आंसर जो है आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा कैलकुलेटर पे, ये आ रहा है, ठीक है। अब जरा इस बात को भी समझो, सी का ये पेपर का एग्जाम का भी सवाल था, क्योंकि यहां पर फिर से इस बात को समझे, ये जो कैलकुलेटर है इस बात को भी ध्यान से देख लो, इस कैलकुलेटर में भी डिफेक्ट है। क्या कैलकुलेटर डिफेक्ट हो सकता है, हाँ जी, इस कैलकुलेटर में भी डिफेक्ट है, और इस बात को आपको समझते हुए सवाल जो है करना है। इस बात को चेक करो, कैलकुलेटर में एक डिफेक्ट आता है और वहां पर तभी यहाँ पे आईसीए नन ऑफ दीज भी जो है देता है कि बच्चों को कैलकुलेटर भी उसको चलाना आता है या नहीं आता, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से एक बार ध्यान से करो, एक बार सारे करना 7 डिवाइड बाय 9, एक बार करो जरा कैलकुलेटर पर 7 डिवाइडेड बाय 9, फिर करो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 14, 7 डिवाइड बाय 9 करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 14 करो, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू करो, ये आंसर आ रहा है सबके कैलकुलेटर पर, यही आंसर आ रहा होगा। अब दूसरा करते हैं, अब एक काम करो, अब न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई करो, अब करो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9, अब करो डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, अब जरा ऐसे करो तो आंसर कितना आ रहा है 0.625 जो है आ रहा है। अगर मैं न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई करके डिनोट को डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आ रहा है 0.625 एग्जैक्ट, और अगर मैं न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 0.6249999। मैं आपसे पूछ रहा हूं आंसर एक बताओ कौन सा है, 0.625 है या 0.6499 है, हम राउंड ऑफ नहीं करें। मैंने कहा एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर 625 है या 6499 है, 625, कैसे कह रहे हो आप, कैलकुलेटर दोनों आंसर आए ना, तो आंसर एक सही है गलत है, कौन सा सही और कौन सा गलत, हाँ जी दोनों तो सही नहीं है, एक आंसर आ रहा है 625, एक आंसर आ रहा है 6499, इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत, आपको बात समझ आ रही, क्या पूछना चाह रहा हूं, आधे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। तो भाई एक चीज और, क्योंकि इनिशियल लेवल मुझे आपको सारी बातें समझानी है, कैलकुलेटर भी सारे आंसर सही नहीं देता, इसलिए क्या करें कैलकुलेटर छोड़ दें, है ना, कैलकुलेटर सारे आंसर सही नहीं देता, इसका मतलब कैलकुलेटर बेकार है, चीची गंदा, आज के बाद कभी यूज नहीं करेंगे, है ना, आज के बाद हम कभी यूज नहीं करेंगे,
कि इसको यूज कर ले, कर ले या नहीं करें, कर ले, है ना। तभी घर में तो ऐसा होता है कई बार हमारे पेरेंट्स सारी बातें ठीक नहीं करते, और हम पेरेंट्स से भी ऐसे करते ना, आज के बाद बात नहीं करेंगे, छी छी गंदा, वेरी गुड। तो भाई इस बात को समझना जरूरी है। देखो क्या है, इस बात को वैसे भी आप समझे ना, वी ऑल आर इम्परफेक्ट, वी ऑल आर इम्परफेक्ट, इसलिए जो भी इंसान बनाता है इम्परफेक्ट बनाएगा बनाएगा। हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए, इसमें जो डिफेक्ट है उसको एक्सेप्ट करते हुए हम अपने आंसर्स निकालने जो है चाहिए, ठीक है। और वही बात है, इसमें एक डिफेक्ट क्या है इस बात को समझना, कई सारे डिफेक्ट हैं, एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, भाई इसको ऐसे करो, 2 / 3 / 3, मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज 2। सिंपल, 3 से 3 कैंसिल होता है, आंसर कितना आना चाहिए, 2। पर अगर मैं कैलकुलेटर पर इसको करूं, चेक करना, 2 / 3 करो, देखो जी 2 / 3 करो कितना आया, 0.66666। अब जरा / 3 करो कितना आ रहा है, 1.999999 जो है आ रहा है। और इसी को, पूरा ध्यान बोर्ड पर, इसी को अब जरा पहले ऐसे सॉल्व करो, 2 / 3 = 6, और अब करो / 3 = आंसर कितना आया, एग्जैक्ट 2 जो है आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसी को मैं चेंज करता हूं, अब मैंने कहा 3 / 2 / 2, आंसर क्या आना चाहिए, 3। एक बार डिवाइड करो, 3 / 2 कितना आया, 1.5 / 2 करो कितना आया, 3, आंसर एग्जैक्ट आ रहे हैं। और जरा इसको मल्टीप्लाई करो, 3 / 2 = कितना, 6। अब जरा / 2 करो, अब कितना आ रहा है, 3। अब दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इधर दोनों आंसर सेम आए, इधर दो आंसर अलग आ रहे हैं। कोई बताए ऐसा क्यों हो रहा है, इधर आंसर दोनों में सेम आ रहे हैं, पहले डिवाइड करा फिर मल्टीप्लाई करा, या पहले मल्टीप्लाई करा फिर डिवाइड करा, तब तो आंसर क्या आएगा, सेम। यहां मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा, आंसर आया 2, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 1.999। तो ये कभी तो आंसर दोनों में सेम दे रहा है, कभी आंसर दोनों में अलग दे रहा है। कोई समझदार अगर बता पाए, हाँ जी, उनको माइक जो है दें, कि भाई ऐसा कब आंसर सेम आएगा और ऐसा आंसर कब अलग आएगा, पता है जी बेटा। सर लेफ्ट साइड वाले एग्जांपल में जो 3/2 है, वहां पर कैलकुलेटर पे सॉल्व करते तो एग्जैक्ट फिगर देता है, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जो राइट वाला एग्जांपल है, वहां 2/3 अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो वो पूरा आंसर नहीं होता, वो कुछ फिगर्स तक 0.666 तक आएगा, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन एग्जैक्ट आंसर ही आएगा हमेशा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से कहें, इस बात को चेक करो, जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं, पूरा ध्यान बोर्ड पर, जब भी हम डिवाइड करते हैं, अब तभी कल की क्लास इंपॉर्टेंट थी, जब भी हम डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन है सॉल्व कर रहे हैं, फ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जब भी फ्रैक्शन का आंसर टर्मिनेटिंग होगा तो आंसर हमेशा एग्जैक्ट आएगा, सेम आएगा। जब भी फ्रैक्शन का आंसर टर्मिनेटिंग होगा, आंसर हमेशा एग्जैक्ट आएगा, सेम आएगा। और जब भी आंसर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जब भी आंसर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, हमेशा एक गलत जो है आंसर आएगा। कई बात समझ आती है, ये बस माइंड में जो है रखना है। जब भी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें, जैसे यहां पर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें, उस समय अब मेरे को क्लियर है, अगर 7/9 किया, ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
जैसे ही 7/9 किया, इसका मतलब मुझे क्लियर है, अब जो भी आंसर आएगा ये आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा, इसके आसपास का आंसर मेरा एग्जैक्ट जो है होना चाहिए। तो ये 624999 है, ये मेरा आंसर 0.625 जो है आएगा। तो ये अब आपकी चॉइस है कि भाई जब भी आप डिवाइड करें, अगर मैं 5/14 करूंगा, ये मेरा फ्रैक्शन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आंसर मेरा राउंड ऑफ आने आने उस पॉइंट पर, मतलब फ्रैक्शन जब भी टर्मिनेटिंग तक रहेगा, जैसे अगर इसको डिवाइड करोगे फर्क नहीं पड़ता, 9/4 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो है आना है। तो आपको ये कोशिश करनी है, अगर कैलकुलेटर पर एग्जैक्ट निकालना है तो जब भी डिवाइड करो उस समय फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, उस समय फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो आंसर एग्जैक्ट आता रहेगा। जब फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो गया उसके बाद कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट आंसर देना बंद कर देगा। कई बात समझ आती है, एंड आई होप टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, हम कल ही क्लास में जो है सीख चुके हैं। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है? तो भाई इस केस में अब मेरा आंसर क्या है, 5/8 जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्या ही बात ठीक चल रही है। चलो और आगे जो है बढ़ जाती है। लो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, एक सवाल और करके देख लो। हाँ जी, फिर एक सवाल और कह रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड रेशियो। फिर से एक सवाल और करके देखते हैं। हाँ, ऑनलाइन बच्चों ने कह दिया, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब आंसर गड़बड़ जो है हो जाता है। ठीक है, तो भाई सारी बातें बस यही अपने को समझनी है, पर इससे इंपॉर्टेंट जो समझना है, एक होता है ठीक है कैलकुलेटर समझ आया, एक मैं कहता हूँ लाइफ लेसन अगर समझ पाए, एवरीथिंग दैट ह्यूमन क्रिएट इज बाउंड टू बी इम्परफेक्ट। आप चेक कर लो, इंसान जो भी बनाता है वो क्या बनाएगा, इम्परफेक्ट बनाएगा, कभी परफेक्ट कैलकुलेटर नहीं बन सकता। ऐसी कोई इन्वेंशन जो परफेक्ट हो, इंसान ने मोबाइल फोन बनाया, परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट है। बेनिफिट भी है, साइड इफेक्ट्स भी है, बेनिफिट भी है, साइड इफेक्ट्स। इंसान ने गाड़ी बनाई, परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट। बेनिफिट है, ट्रेवलिंग फास्ट होती है, और गड़बड़ क्या है, पॉल्यूशन भी हो रहा है, पॉल्यूशन भी जो है हो रहा है। कुछ भी चीज इंसान बनाता है इम्परफेक्ट होती है। अब दो बातें हैं, या तो क्रिटिसाइज कर लो या एक्सेप्ट कर लो। या तो क्रिटिसाइज कर लो कि कमी है, या एक्सेप्ट कर लो जो जैसा है, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है ना, इतनी सी बात है। इसलिए इंसान गैजेट बनाएगा वो भी इम्परफेक्ट बनाएगा, इंसान अगर रिलेशंस भी बनाएगा तो इम्परफेक्ट बनाएगा। और आप सब में दिक्कत यही तो है, रिलेशन में जाते हो, कमियां दिखती हैं, ब्रेकअप कर लेते हो, कमियां तो होंगी, आप सब में यही तो दिक्कत है। रिलेशन में जाना भी चाहते हो, जाते भी हो, कुछ टाइम के बाद कमियां दिखती हैं, ढेर सारी दिखती हैं, और उसके बाद इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। जैसे गैजेट हो, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, ये खिलौना बेकार हो गया, अब दूसरा खिलौना चाहिए, है ना। ऐसे ही पेरेंट्स हैं, कमियां दिखती हैं, पेरेंट्स से प्यार नहीं हो पाता, भाई बहने उनमें तो कमियां एक्स्ट्रा दिखती हैं, दूर से ही हाथापाई हो जाती है, उसने ऐसा कैसे कर दिया। ह्यूमंस हैं, इम्परफेक्ट होंगे, वही बात है, या तो कैलकुलेटर को फेंक दो या इम्परफेक्शन साथ यूज कर लो। ऐसे ही रिश्ते, या तो फेंक दो या इम्परफेक्शन साथ रह लो, तो लाइफ इजी जो है रहेगी। एनीवेज, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 16/81। और पता नहीं, मेरा ऐसा अनुभव है जब ऐसी बात करता हूँ ना, कईयों के इमोशन आते, ठीक है आज वापस जाके सॉरी बोल देंगे। दूसरा, आज ही क्लास में सिखाया था, एक्स क्या होता है, डब्बा, अब भूल जाओ, अगले के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। हाँ, नहीं तो इसमें बड़े इमोशनल होते हैं, और किसी की याद नहीं आती। हाँ, आज जाके बिल से माफी मांग लूंगा, प्लीज वापस आ जा। चलो,
इनवर्स रेशियो, एक्स क्या होता है डब्बा, चलो इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3। फिर आगे आ जाओ एंड डुप्लीकेट रेशियो, एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 6:81, इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। और आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं 1/2, ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन है 2/3 और ऑप्शन है 1/6। हाँ जी, आंसर डी 1/6 की 2/3 1/6। लो जी, फिर से चेक कर लें, छोटे छोटे सवाल हैं। फाइंड द कंपाउंड रेशियो, फिर से कंपाउंडिंग करनी है मतलब मल्टीप्लाई, 16/81 इसको मल्टीप्लाई करना है इसके इनवर्स से, इनवर्स का मतलब 3/2, मल्टीप्लाई करना है इसके डुप्लीकेट से, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना है 9/16 करना है, 9/16। तो भाई अब चेक करो, अगर मैं 16/81 करूंगा, पता हूं टर्मिनेटिंग आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, एक बार करके देख लो 16/81 नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो अलग अलग ऑप्शन है, अब अगर मैं शुरू करूंगा, मैं बैकवर्ड से शुरू करूंगा, ये मुझे पता है टर्मिनेटिंग होगा, तो चेक करो 9/16 टर्मिनेटिंग मल्टीप्लाई बाय, इसको भी कर लो 3/2, आंसर अभी भी एग्जैक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 16/81। लो जी, अब आंसर कितना आ गया 0.16 बार जो है ये मेरा आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, पहला 1/2 इक्वल टू कैंसिल, 1/4 इक्वल टू, आंसर गलत कैंसिल, 2/3 0.6, अच्छा 0.16 है ये भी कैंसिल, 1/6 इक्वल टू, ये मेरा आंसर जो है आ गया है, ठीक है जी, ठीक चल रहा है। पेपर में एक सवाल आएगा, एक ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, क्या ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, अच्छे से हो जाना चाहिए, एक मिनट में हो जाएगा, बिना ज्यादा लिखे हो जाएगा, ठीक है, और आगे बढ़ जाए। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हुए एक लास्ट रेशियो और देख लेते हैं, कंटिन्यूड रेशियो। स्पीड मेरी ठीक है, कम हो ज्यादा हो, स्पीड कम है कि ओके ओके है, हाँ जी, कितने कह रहे स्पीड ओके चल रही है, अच्छा कितने कह रहे स्पीड धीरे चल रही है, अच्छा कितने कह रहे स्पीड फास्ट चल रही है, फास्ट वाला कौन है नलायक, चलो ठीक है, चलो मतलब ओके है, थोड़ी सी स्लो है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी करते हैं, स्पीड मतलब इतनी स्पीड में अपना काम आराम से हो जाएगा, इसलिए मेरे को स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं। हाँ, ऑनलाइन भी कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, कुछ कह रहे हैं स्लो है, फास्ट हो जाऊं, चलो कंटिन्यूड रेशियो कह रहे हैं, इफ द रेशियो, इफ द रेशियोज आर A:B, बच्चे कह रहे मस्त चल रही है, परफेक्ट है, ठीक है, चलो A:B, B:C एंड C:D, कॉमा देन कंटिन्यूड रेशियो, कॉमा देन कंटिन्यूड रेशियो कैन बी expressed as, ठीक है जी, कंटिन्यूड रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हाँ जी, तो भाई कंटिन्यूड रेशियो फिर से शब्द क्या है, कंटिन्यूड रेशियो, फिर से रेशियो ए अपॉन में बी फुल स्टॉप, दूसरा रेशियो बी अपॉन में सी फुल स्टॉप, रेशियो रुक गया, अगला रेशियो रुक गया, कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है,
चलाना, कॉन्टिन्यू मतलब चलाना। तो हमने कहा ये तीन अलग अलग रेशो हैं, इनको एक कॉन्टिन्यूएशन में लेकर जो है आना है। तो रेशो क्या होगा, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो भाई कॉन्टिन्यू रेशो क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। कंफर्टेबल है, ऑनलाइन बच्चे कह रहे सर तीन महीने आपसे अकाउंट्स पढ़ लिया इसलिए अब स्लो लग रही है। अकाउंट्स भी तो स्लो ही पढ़ाया था, फास्ट पढ़ाया था, फास्ट पढ़ाया था। अच्छा चलो ठीक है, खत्म हो गया से तो बातें आ रही है इस समय। चलो ठीक है जी, मतलब एक्चुअली मुझे रहता है कि जितना आपका आई क्यू है उसके हिसाब से जो है पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अकाउंट्स में क्योंकि आप सबको आता था, अकाउंट में ज़्यादा समझ वाली चीज़ें थी, उसके हिसाब से स्पीड थी, मैथ्स बहुत बेसिक से मुझे कराना जो है होता है। चलो तो भाई चेक करें, लो जी अगला सवाल चेक करें। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड कॉन्टिन्यूड रेशो, फाइंड कॉन्टिन्यूड रेशो इन दी फॉलोइंग केसेस, फाइंड कॉन्टिन्यूड रेशो इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चा कह रहे ये क्या बात हुई डियर सर, मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी, ऐसी मैंने कौन सी बात करी। बच्चे कह रहे ये क्या बात हुई डियर सर, कौन सी वाली बात, यही बात हुई जो मैंने कर दी, और क्या करना है, ठीक है। चलो एनीवेज आ जाए, फाइंड कॉन्टिन्यूएशन द फॉलोइंग केसेस। लो जी तो भाई केस वन, चलो जी केस वन, लो जी फिर कह रहे हैं A is to B, कह रहे 2 upon में 3, B is to C, कह रहे हैं 3 upon में 5, A is to B, 2 upon में 3, B is to C, वो क्या है 3 upon में 5। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे A is to B is to C जो है निकालना है। फिर से पहले कंसेप्ट को समझना, लो जी आज का लास्ट टॉपिक है, पर इस कंसेप्ट को ध्यान से समझें। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी की वैल्यू 3 है सी की वैल्यू क्या होगी 5। तो भाई अब मुझे कॉन्टिन्यूएशन ही बोलना है, क्या मैं कह सकता हूं अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3, और अगर b की वैल्यू 3 है c की वैल्यू क्या हो गई 5 जो है हो गई, ठीक है। तो भाई करना क्या है, हमारा जो कॉमन पिन है, जो कॉमन लिंक है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। तो यहां पर 3, यहां पर 3, तो हमने क्या बोला, अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या हुई 3, और अगर b की वैल्यू 3 है c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। सिंपल सा कॉन्टिन्यूड रेशो जो है बन जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो है करेंगे। सर अगर ये वैल्यू अलग होती तो क्या होता, तो अगला केस होता। लो जी केस टू, तो भाई आराम से चेक करें। हाँ जी केस टू कह रहे a अपॉन में b इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3, लो जी, और कह रहे हैं b अपॉन में c वो कह रहे हैं 4 अपॉन में 5। हाँ जी तो भाई चेक करें, अब क्या करें, अब देखो अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू, a की वैल्यू अगर 2 है तो b की वैल्यू 3, और b की वैल्यू 4 है तो c की वैल्यू 5। अब यहां पर b और b की वैल्यू क्या है चेंज, अब दोनों को सेम बनाना है। सेम कैसे बनाएं, सिंपल सा काम है, यहां जो वैल्यू है इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाली जो वैल्यू है इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे हुआ कि आप नीचे कितनी वैल्यू आ गई 12, ऊपर भी कितनी आ गई 12। इसको बस सेम बनाना है, तो सेम जैसा आपका मन करे वैसे बना दो। वहां पे 3 था, वहां पे 4 था, तो इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, उधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई जो है कर दिया। और अब अगर मैं आपसे कहूं a is to b is to c, तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 8, तो बताओ b की वैल्यू कितनी हो गई 12, और अब ऊपर b की वैल्यू कितनी है 12, सेम वैल्यू है। तो हमने कहा b की वैल्यू 12 है तो बताओ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 जो है हो जाएगी। लो जी अच्छे से कर पा रहे हो,
और आगे बढ़ जाए, हाँ सर, सर क्या मैथ्स ऐसा ही है? हाँ बेटा ये मैथ्स ही चल रहा है, बस ऐसे ही तो करना है। तो भी देखो ये आपका खोया हुआ प्यार है, अब आपको वापस जो है मिल जाएगा। लो जी फिर चेक करें, ए अपॉन में बी इक्वल टू, अच्छा ठीक है ठीक है, प्यार मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ए अपॉन में बी वो है टू अपॉन में थ्री, और सी अपॉन में बी, अब मैं बी बाय सी नहीं दे रहा, सी अपॉन में बी वो कितना है फोर बाय फाइव। हाँ जी, तो भाई अब आराम से चेक कर लो। अब फिर से आपसे कहा ए इज टू बी इज टू सी, पहले तो चेक करो लिंकिंग पिन कौन सी है, बी, यहां पर वैल्यू क्या है थ्री, यहां पर वैल्यू क्या है फाइव, तो अब यहां किससे मल्टीप्लाई करूं फाइव से, यहां किससे मल्टीप्लाई करूं थ्री से, ठीक है जी। और अब दोनों वैल्यू सेम हो गई, अब बताओ ए की वैल्यू कितनी टेन, बी की वैल्यू कितनी फिफ्टीन, और सी की वैल्यू कितनी ट्वेल्व जो है आ जाएगा। कर पा रहे हो अच्छे से और आगे बढ़ जाए, हाँ सर, फिर नेक्स्ट चेक कर लो। लो जी अब कह रहे हैं नेक्स्ट केस फोर, कह रहे हैं ए अपॉन में बी, मैं आपको दे रहा हूं टू बाई थ्री, ए अपॉन में सी मैं आपको दे रहा हूं फोर बाय फाइव, ठीक है जी। और अब वही आपसे पूछा ए इज टू बी इज टू सी, अब इनमें कॉमन कौन सा है, आप मुझे कह रहे हो ए, अच्छा मैंने कॉमन कौन सा कह रहे, ए तू ही बता, पैसे हमने दिए हैं, ठीक है मैं बता देता हूं, ठीक है। हाँ तो कॉमन यहां पे क्या है ए, तो यहां पे देखो क्या है टू, यहां पे क्या है फोर। अब अगर सेम बनाना है, देखो वैसे तो यहां पे फोर से मल्टीप्लाई या टू से, या अगर अब यहां सोच पाऊं सेम बनाने के लिए, अगर मैं सिर्फ टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने आप ये फोर बन गया, जैसा आपका मन करे। तो एक तरीका ये भी है कि ये ऑलरेडी फोर है, इसको फोर बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई, या तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो छोड़ो सिंपल सा हमने जो रट्टा मारा है, हम यहां पर फोर से मल्टीप्लाई, यहां पर टू से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपका मन करे वैसे कर लो। तो भाई आप बताओ ए की वैल्यू कितनी एट, बी की वैल्यू कितनी ट्वेल्व, ए की वैल्यू कितनी एट, और सी की वैल्यू कितनी टेन, ठीक है जी। और आगे जो सॉल्व करना चाहो तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको टू से डिवाइड करेंगे तो फोर इज टू सिक्स इज टू फाइव जो है आ जाएगा। लो जी क्या ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है अच्छे से मस्त टाइम पास हो रहा है, और आगे बढ़ जाए। लो जी ऐसे ही अब चेक कर लें, लो जी ये तो मेरे को टाइम वेस्ट करने के इस समय तरीका चल रहा है, नहीं तो पेपर में ऐसे नहीं करना। फिर से पेपर में कैसे करना है, ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है पेपर में कैसे है ऑप्शन गिवन होगा। आप सोचो पेपर में इसी की बात करें, अब पेपर में अब ये सवाल अगर गिवन है तो भाई फिर से बता दूं पेपर में कैसे करना है, पेपर में मान लो ये ऑप्शन गिवन होगा, हाँ जी ये ए ऑप्शन है, बी मान लो फोर इज टू सिक्स इज टू सेवन होगा, सी हो गया टू इज टू फोर इज टू फाइव होगा, डी ऑप्शन वन इज टू फोर इज टू मे बी नाइन, कुछ भी गिवन होगा। तो हमें करना क्या है, ए बाय बी की वैल्यू निकाल लो, हमने कहा टू डिवाइड बाय थ्री इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 0.6 बार, ए डिवाइड बाय सी की वैल्यू निकाल लो 4 डिवाइड बाय 5, ये कितना आ रहा है 0.8। अपना काम तो कैलकुलेटर पे बड़ा मस्त जो है चलता है, और वो मैं कहा अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो 10 दिन में पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा, फिर हम मुझे फीस नहीं दोगे, इसलिए मुझे आपको 60 दिन जबरदस्ती बढ़ाना है। हाँ नहीं फीस तो दे दी है, पर अब आप कहोगे बताओ इतने पैसे लिए 10 दिन के जबरदस्ती मुझे बढ़ाना है, नहीं तो अगर सिलेबस की बात करें देखो फिर से पेपर ऐसे आएगा। अब क्या करना है, ए बाय बी की वैल्यू कितनी है 0.6 बार, तो जरा ये सॉल्व करो, आ रहा है 0.6 बार, हाँ हाँ ये कैंसिल ये कैंसिल, उसके बाद क्या करना है a डिवाइड बाय c 4 डिवाइड बाय 5, ये चेक करो क्या ये आंसर आ गया, तो ये मेरा आंसर जो है बन गया। क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है, तो पेपर में तो ये काम करना है, सारा काम कैलकुलेटर में बड़ा मस्त जो है होता है, मेरे को सॉल्व करना ही नहीं है, पेपर क्या है ऑब्जेक्टिव है। पर अगर मैं आपको हर बार यही कहूं
बेटा ऑप्शन सॉल्व करो, तो आप फिर मेरे को कहोगे सर आप पढ़ा क्या रहे हो, ठीक है, तो मेरी मजबूरी है, पहले मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, पर मेरे को लग रहा है करना क्यों है ये, ठीक है, काम सारा कैलकुलेटर पर जो है होगा। जैसे ऊपर वाला सवाल है, देखो अगर टाइम पास करें, लो जी, तो मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चों क्या लग रहा है, मैथ्स का पेपर में स्कोर कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ सर, सबसे ज्यादा किस पेपर में नंबर आएंगे बोलो, मैथ्स, ठीक है ना, हाँ, सबसे ज्यादा नंबर किस में आएंगे, मैथ्स, क्योंकि इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में कुछ तो याद करोगे, अकाउंट्स में कुछ तो करोगे, लॉ की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, सर को बोल देना, ठीक है, हाँ। तो भाई प्रैक्टिकली अब सोचो ये सवाल है, दिस इज ऑप्शन ए, मान लो ऑप्शन बी आपको दे दिया 10:4:5, ऑप्शन सी दे दिया मे बी 12:10:9, ऑप्शन डी कुछ भी दे दिया। अब मुझे करना क्या है, ए बाई बी की वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ रहा है 0.6। अब ए बाई बी इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कौन सी वैल्यू मैच हो रही है, क्या ये बात समझ आई? ऐसे ही सी बाई बी मतलब रेसिप्रोकल, इन दोनों को डिवाइड करो, जहां आंसर मैच हो गया वो आपकी वैल्यू जो है हो जाएगी। पेपर का तो एक्चुअल में ये लेवल है, और दिक्कत क्या है, मैं जनरली बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में पूरी दुनिया ये सॉल्व कर रही है, इसलिए उनका पेपर छूट रहा है। जो आपने सुना होगा सीएमए पेपर लेंदी आते हैं, ये सॉल्व करना ही नहीं है। और ये मेरे को कितने बच्चे जो मतलब फेल हो के मेरे पास आते हैं कि सर हमने कहीं और से पढ़ा था, हम फेल हो गए, क्यों फेल हुए, और जो फर्स्ट क्लास में बाद में आते हैं, सर हमने तो इसमें इतना टाइम लगाया था, सॉल्व करते रहे सॉल्व करते रहे, करना क्यों है भाई, बात समझ आ रही है? सीएमए मैथमेटिक्स अगर सॉल्व करवाना होता, एक छोटी सी बात समझो, अगर आईसीआई को ये अगर सॉल्व करवाना होता तो ये सब्जेक्टिव बनाती, जब अकाउंट सब्जेक्टिव बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, तो इनको मैथ सब्जेक्टिव में दिक्कत आ रही थी नहीं, पर आईसीआई बेसिकली सिर्फ फाउंडेशन मैथ्स में आपका कैलकुलेटर में स्पीड बनाने के लिए ये चैप्टर है, ये पूरा सब्जेक्ट है कि कितनी प्रैक्टिस आपकी कैलकुलेटर पर जो है होती है, कितनी प्रैक्टिस कैलकुलेटर में करते हो, कितना फटाफट आंसर जो है निकालते हो, ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चलो जी, तो भाई चेक करें, केस फोर नहीं, कौन सा केस आएगा, अच्छा केस फोर कहाँ गया मेरा, बीच में गायब हो गया, 1 2 3 पक्का 5 है, अच्छा केस 5 4 अदृश्य हो गया, राक्षस कहीं का गायब हो गया, चलो केस 5, तो लो जी ए अपॉन में बी इज इक्वल टू 2/3, बी अपॉन में सी इक्वल टू 2/5, कह रहे हैं सी अपॉन में डी इक्वल टू 2/7, ऑप्शन दूं या सॉल्व करवाऊं, ऑप्शन दे दूं, चलो, तो भाई सर बस अब आप सीधा सीधा ऑप्शन जो है पकड़ा दो, क्या टाइम पास करवा रहे हो, तो लो जी कह रहे हैं 4:8:30:35, फिर कह रहे हैं आपका 4:6:15:105, फिर कह रहे हैं 8:12:15:35, फिर कह रहे हैं 8:12:30:105, ऑनलाइन बच्चा पूछे क्वेश्चन कहां से करने हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन से करने हैं, देखो मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, यहीं से करने, ये कैसा सवाल है, क्वेश्चन कहां से करने, जहां से लिखवा रहा हूं वहीं से करने हैं, हाँ जी बताओ जी, आंसर बी, आंसर डी, हाँ जी हाँ जी, चलो कितने कह रहे आंसर ए है, कोई नहीं, कितने कह रहे आंसर बी है, कुछ हाथ, कितने कह रहे आंसर सी है, कोई नहीं, कितने कह रहे आंसर डी है, अच्छा कई सारे, तो भाई चेक कर लो, सिंपल सा काम है, पहले इसको सॉल्व करो, 2/3 इक्वल टू कितना है 0.6 बार, तो जरा 4/8 करो, 4 0.5 कैंसिल, 4/6 ये आंसर हो सकता है, 8/12 ये भी आंसर हो सकता है, अच्छा 8/12 तीन आंसर हो सकते हैं, ये कैंसिल हुआ, अब भी डिवाइड बाय सी,
टू डिवाइड बाई फाइव 0.4, अब जरा इसको चेक करो, 6 डिवाइड बाई 15 0.4 आंसर हो सकता है, 12 डिवाइड बाई 15 0.8, चल 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 कट 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 आगे बढ़ जाओ, उसके बाद 12 डिवाइड बाई 30 0.4 ये भी आंसर हो सकता है, अब 2 डिवाइड बाई 7 ये कितना आया, अरे यार ये बड़ा भयंकर आ गया 0.285714285711। तो भाई आप जरा इसको डिवाइड करें, 15 डिवाइड बाई 105 ये तो 142 ये भी कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 8:12:30:105। क्या ये बात क्लियर है, एक सवाल बस और कर लें, हाँ बस एक नहीं आखिरी सवाल फटाफट बस आखिरी, केस सिक्स लो बस एक बार देख लूं, केस सिक्स, हाँ जी बस केस सिक्स पक्का, हाँ लो भाई ए अपॉन में बी 3/5, बी अपॉन में सी 2/3, सी अपॉन में डी कह रहे हैं 2/1, तो भाई ए बी सी और डी कह रहे हैं 12:20:30:45, फिर कह रहे हैं 12:10:30:15, फिर कह रहे हैं 12:20:30:15, फिर कह रहे हैं 12:10:30:15, क्या हो गया 30, आंसर क्या है सी, एक बार चेक कर लेते हैं 3/5, तो 3/5 कितना आ रहा है 0.6, 12/20 0.6 हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, उसके बाद 2/3 ये कितना है 0.6 बार, ये हो सकता है, ये हो सकता, अच्छे दोनों ही कैंसिल हैं, और 2/1 ये कैंसिल हो गया, मेरा आंसर क्या जाएगा सी जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ तो आज के लिए हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, एक मिनट बस और, हाँ हाँ एक मिनट बस और ले लें, तो भाई बहुत सारे बच्चों का मन है सर बहुत ही मजा आ गया, तो एक बार आप सर आज होमवर्क भी दे दो, तो देखो जी मैथ्स वॉल्यूम 1 आप सबके पास किताब होगी, हाँ जी तो बस आपको दिखा देता हूँ, या चलो कल कर लेना जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, ओके जी चलो कल आपको होमवर्क दे दूंगा, अभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी इतना ही कर लेना, कल फिर आपको होमवर्क जो है दे दूंगा, ठीक है, ओके जी टाटा बाय बाय।